चलिए, सबसे पहले जय हिंद और सभी को नमस्कार। आप लोग शायद हमको पहचान रहे होंगे, और नहीं पहचान रहे होंगे तो सबसे पहले हम जॉब कर रहे हैं खुद, और प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से ही हम जो है कंटेंट को दे सकें, ठीक है। और यही प्रयास रहेगा, हम लोग तो जानते हैं आप लोग के स्टूडेंट हैं, आप ही लोग की तरह है। और इस बार जो है मेरा ग्रुप डी में फाइनल हुआ और हम गेट पर अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी टाइम मिलता, लेकिन जो यहाँ से जो प्रॉपर मिलेगा उस तरह से कंटेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे कि कोई एक चैप्टर जो है बढ़िया से खिंचा जाए, अगर आप लोग उत्सुक होंगे तब, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि जिसमें हम तैयारी करके आए हैं, क्योंकि पढ़ाने से पहले बहुत सारा पढ़ना पड़ता, ऐसा ना है कि जो है कुछ भी उठा के कंटेंट दे देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रयास करेंगे कि हम एक चैप्टर कोई भी घिस सकें जो बेहतर तरीका से आप लोग को समझ में आए, यहाँ पढ़ के जाएँ और घर में आराम से बने और इजीली बने, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारा कंटेंट जो है नहीं डाला हुआ, तो क्वेश्चन को बोल करके या फिर आपको कोई भी बुक से हम कंटेंट करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो प्रयास करेंगे आज बोट एंड स्ट्रीम क्लियर कर देंगे, ठीक है। ताकि और इसी तरह से, जैसे कि आप बोलिए बोट एंड स्ट्रीम ही क्यों, क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है, आज बताएंगे और आज ही से बनना लगेगा, ठीक है। और कोई भी अदर चैप्टर लेंगे तो बीच में फंस जाएगा, और अभी तक प्रयास हमने किए हैं लगातार 1.5 घंटा से अधिक अभी तक नहीं बोले, क्योंकि जो भी बोले हैं जगदेव जी बोले, तो इसीलिए प्रयास रहा है 1.5 घंटा के अंदर हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। बस आप लोग को, बस हम हमेशा बोलते हैं कि हर चीज़ को एक तरीका होता है, क्या होता है कि नहीं, जैसे शादी ब्याह में जाता तो पहले सोच निर्माण होता है, ठीक है। सोच के बाद क्या क्या चाहिए एक तरीका से चलता, ऐसा ना है कि जिस दिन शादी है उसी दिन सब कुछ, कोई इधर भोज का व्यवस्था कर रहा है, कोई कपड़ा का व्यवस्था कर रहा है, कोई अन्य तरीका से व्यवस्था कर रहा है, क्या वो संभव है? नहीं। तो उसके लिए एक तरीका से निर्माण करना पड़ता है, चाहे वो लिखावट का तरीका हो, वो पकड़ने का तरीका हो, वो कौन कौन सा शब्द आता है उसको पकड़ने का तरीका हो। अगर ये चीज़ बिल्ड होगी आपके हाथ में तो समझिए आप क्वेश्चन को देखते देखते आप कोशिश कीजिएगा कि कलम नहीं उठा और आपसे बनने लगेगा, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा हमारे साथ एक बार में समझने का, क्योंकि बहुत सारे टीचर बोलते हैं तुम जितना बार बोलेगा हम उतना बार बताएंगे। हम प्रयास करते हैं कि पहली बार में ट्राई करें और 100% समझें, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि टीचर का भी मनोबल टूट जाता है। हम देखिए टीचर नहीं है, बीच में हमको लपेटिएगा नहीं, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि टीचर से भी बेहतर दें और ऐसा प्रयास दें जो अन्य तरीका से आपको बेहद, जो क्या होता है ना, टीचर को ऐसा लगता है हम जो जानते हैं वो सभी लोग जानता है और अच्छे से ऊपर ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो हम वैसा ना, हम जिस तरीका से फंस जाते हैं यहाँ बना लेते हैं, अब पता चलता है एग्जाम में जाके फंस जाते हैं, तो वो तरीका हमारे लिए बेहतर नहीं है। क्या बेहतर है? ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। देखिए पूछना है तो पूछना है, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि एक बार में कंप्लीट समझ में आ जाए, दोबारा प्रयास नहीं हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ओ ये सब एक काम नहीं करता। अच्छा एक और पेन है ले लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए सबसे पहले ना हम चैप्टर को समझाने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर को आप मैथ को इस भांति समझ सकते हैं कि इससे पीछे बार भी हम जो बहुत सारा चैप्टर को हम खींच चुके हैं, ठीक है। यूट्यूब पर उपलब्ध है, बहुत सारे लोग पूछता है डेमो डेमो, तो डेमो कुछ नहीं है, आप यूट्यूब पर जाके देखिए, जो क्वांटिटी क्वालिटी वहाँ है उससे बेहतर करने का प्रयास करें, उससे लो होता है नहीं ना। एक जो पढ़ाने का तरीका होता है उससे लो नहीं होता, उससे अप ही जाता है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और बहुत सारा लोग जानते भी होंगे, लेकिन प्रयास करेंगे एक नया कॉन्टेंट देने का, ठीक है। चलिए बोट एंड स्ट्रीम, इसके बाद भी अन्य तरीका है, जैसे हम ट्रेन भी थोड़ा सा बताएं लेकिन कंप्लीट बताएंगे। जैसे 1 रुपया में 2 कलम, तो 2 रुपया में कितना कलम, ये करने जानते हैं ना। तो ट्रेन को बस इतना ही में हम कंप्लीट करा चुके हैं। एवरेज को ऐसा ऐसा तरीका है जो आप कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे, ठीक है। उसी तरह बोट एंड स्ट्रीम को ऐसा तरीका है जो आप भले ही पढ़े होंगे, लेकिन आपको हो सकता है कुछ नया देखने को मिले, और नया देखने को मिलेगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अन्य को भी बताएं, और ये तरीका अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, नाव तथा धारा। आप लोग
नदी में गए ना, तालाब गए, समुन्द्र गए तो वहां पर देखे होंगे, ठीक है। यही है नाव तथा धारा। और मैथ जो है ये कॉमर्शियल मैथ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कॉमर्शियल मैथ ऐसा है जो आप दिनचर्या में यूज करते हैं, जैसे परसेंटेज है, क्या हमेशा यूज नहीं करते हैं? कभी कॉपी खरीदने में, कभी कलम खरीदने में जाइएगा तो लिखा ला 100 रुपया, बोलिए 10 रुपया डिस्काउंट कर दीजिए या 10% डिस्काउंट कर दीजिए। क्या आम जीवन में प्रयोग ना होता? प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, क्या आम जीवन में प्रयोग ना होता? हर जगह इधर से उधर प्रॉफिट एंड लॉस करते रहते हैं, क्या करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरह से आप एवरेज देखिएगा तो वहां पर भी हम प्रयोग करते हैं। तीन दोस्त हैं, कुछ खाना रहता है तो वहां पर भी जोड़ घटाव लगा देते हैं। अगर तीन दोस्त हैं, चार भाग में समान बांटा है, फिर भी वहां पर दिमाग लगाते हैं, तो ये कहां से बिल्ड होता है? एवरेज से होता है ना। और फिर देखिए, अरे मतलब पूरा कमर्शियल में जो है बेस है हम लोग के जीवनचर्या पर, है कि नहीं, ठीक है। और एंड बात करते हैं, जैसे अब देखिएगा, बात करते हैं कि मैथ का प्रयोग अगर जॉब लग जाता है आपको, ठीक है, ईश्वर का कृपा हो, आपके हाथ का महिमा, आपका दिमाग का महिमा हो, आप अच्छे मेहनत किए होंगे तो 100% लगेगा, इसका कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन होता है। तो बोलिएगा कि बहुत सारा लड़का यही कमेंट किया कि मैथ का हम प्रयोग करते कहाँ? तो देखिए दोस्त, मैथ का प्रयोग नौकरी होने जाने पर या जीवन जब पढ़ाई समाप्त करते हैं तो आपका मैथ जो है कहीं आपका यूज नहीं होता। क्या आप देखें? नहीं ना। आपका घर में कोई भी आता है बड़ा बुजुर्ग या रिलेशन में कोई आता है, देखते हैं मैथ की भाषा बोलता है? नहीं। लेकिन मैथ हर जगह प्रयोग होता है, चाहे आपका रिलेशन आए, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मैथ हर जगह प्रयोग होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता। जैसे हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, आप कहीं भी रेलवे से जाते हैं, आपको पटना जाना है, आप तुरंत दिमाग लगाने लगेगा कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, क्या फलना चीज तुरंत कर देते हैं। तो ये जो सोच बिल्ड होता है ये कहां से होता? मैथ से होता है। आपको एग्जाम देने जाना है, आपको 100 क्वेश्चन है, 100 का 100 जीके का, लेकिन आप मैथ थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं तो तुरंत दिमाग लगाइएगा, आपके पास टाइमर है, तुरंत दिमाग लगाइएगा प्रति क्वेश्चन हम कैसे करें कि हमारा जो है कम से कम समय में बेहतर हम कर सके। तो क्या वहां पर जीके लगता? मैथ लगता? लगता है कि नहीं लगता? तो इसीलिए सोच को बिल्ड कौन करता है? यहां पर मैथ करता है। आप कोई भी चीज को हिसाब कीजिए, आपका मान लेते सैलरी आया, तो आप अगर मैथ नहीं जानिएगा तो आप सैलरी के बारे में बात नहीं कर पाइएगा। 1000 रुपया कहीं कम आ गया तो आपको जानकारी कहां से मिलेगा? तो वो मैथ से मिलता है। इसीलिए जीवन में ये हमेशा अभ्यास कीजिएगा, मैथ का हर जगह प्रयोग होता है, अनुभव होता है, पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत बड़े बुजुर्ग बहुत कहते हैं और लोग, छात्र भी, हम लोग भी, स्टूडेंट मन में सवाल चलता था कि मैथ का प्रयोग आखिर करते कहां है, मैथ क्यों पढ़ाया जाता, ठीक है। तो आप ही बताइए, जीके का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहां पढ़ाया जाता है? तो आप जैसे जीके की बात करते हैं, आप किसी क्षेत्र में गए हैं तो आपको वहां से जानकारी जुटाना पड़ेगा अगर नहीं जानकारी है। लेकिन जानकारी है, आप सोचिए पटना गए हैं और वहां से जानकारी जुटाए, तो जानकारी अगर नहीं रहेगा तो आपको हर गली गली भटकना पड़ेगा। लेकिन आप किताबी भाषा में पढ़े चाहे अन्य तरीका से पढ़े, ठीक है, पढ़ाई तो की है ना, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इस साइड जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टेशन मिलेगा, उस साइड जाएंगे तो कोचिंग मिलेगा, उधर जाएंगे तो एयरपोर्ट मिलेगा, आपको मैप के माध्यम से पता रहता। तो आपको पता नहीं है लेकिन जीवन में हम प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही है मैथ। क्या मैथ के बारे में आप डाउट रहेगा कि मैथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? मैथ जितना ज्यादा एडवांस होगा आप समझिए कि उतना ज्यादा आपका सोच विकसित होगा। अब कोई जरूरी ना है कि सोच विकसित हो तो नौकरी हो, आप जीवन में सफल होइए। हमारे भी घर परिवार में कहता है कि आपको नौकरी लग गया आपका जीवन सफल हो गया, ये गलत बात है। अब जितना भी नौकरी है ना, एक चीज हकीकत बताता हूं, हम जॉब कर रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं कि नौकरी में क्या, देखिए फर्स्ट क्लास है इसीलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग का मन में हलचल ना हो कि अब क्या चल रहा, पढ़ाएंगे कंप्लीट कर देंगे 1 घंटा में। आप लोग का एक भी डाउट रहेगा तो हमसे आके कंप्लेन कीजिएगा, हम यहीं पर कल भी रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए जीवनचर्या में कहां प्रयोग होता है ये जानकारी जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी ना है जीवन में, मेरा भी घर में कहता होगा, आप लोग का भी घर में कहता होगा, पढ़ाई का मतलब नौकरी, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे आपके सामने जगदेव जी देख रहे हैं, क्या इसका नौकरी नहीं हो जाता? अगर बिहार पुलिस का जैसे क्या दौड़ था, नौकरी हो जाता? अगर नहीं हमको नौकरी करना है तो नौकरी हो जाता। और जैसे ग्रुप डी का डीबी था, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देता था, कंफर्म था नौकरी था, इतना नंबर अधिक है। तो हम देखिए आयन को भी बोलना चाहते हैं, नौकरी जीवन चलाने का एक साधन है, ना कि जीवन सफल होने का साधन है। जीवन को सफल बनाइए, हम इतने कहें, जीवन में सफल हो जाइए आप किसी भी सेक्टर में, ठीक है, चाहे वो मोची हो, चाहे एक कोई भी उद्योगपति हो, जीवन को सफल बनाइए। और सफल एक ही तरीका से ढूंढा जा सकता है, वो है एजुकेशन।
आपको जीवन को बिल्ड करेगा, आपको एक अच्छे तरीके से अच्छे मुकाम पाने का प्रयास करेगा। समाज का काम है, अच्छा काम कीजिएगा फिर भी गाली देगा, बुरा काम कीजिएगा तो भी गाली देगा, ठीक है। बुरा में भी सफल हो जाते हैं तो भी आपको बहुत सारे लोग जो है सराहना करेगा, अरे कुछ भी हुआ तो बहुत नाम कमा के गया, और अच्छा करने का प्रयास करेंगे फिर भी वहां से बोलेगा कुछ भी हुआ देखो ये पोस्ट पाके इस तरह से किया जी जीवन सफल हो गया, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा, जीवन आपका तभी सफल होगा जब आप पर्यावरण माध्यम से आप जीवन को अपने देश को एक अलग ऊंचाइयों से देखते हैं, ठीक है। आप अपने परिवार को आप अगर चले भी जाते हैं तो अपने जनरेशन को इस तरह दे जाइएगा कि वो लगे कि हम इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारा मंत्री आता तो रेल को दे गया, बहुत सारा सुविधाएं तकनीकी दे गया, ताकि हम रहे या ना रहे हमारा जो पीछे आएगा, ठीक है, वो हमारे साधन का यूज करे और मेरा नाम ले, क्या नाम ले लेते हैं, लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप लोग का कोई डाउट है कि मैथ क्यों सीखना जरूरी है या पढ़ना क्यों जरूरी है या फिर हमको जीके क्यों सीखना जरूरी है, ठीक है। जीवन में अनुभव के साथ आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना, आप खुद का निर्णय, मैथ अगर बिल्ड है जीके बिल्ड है आप खुद का निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट बात करते हैं अपना चैप्टर पर, ठीक है। देखिए बोलिएगा तो कोई भी चैप्टर घींच देंगे, लेकिन एक होता है तैयार करके आना, ठीक है। तैयारी करके आएंगे तो कुछ नया देने का प्रयास करेंगे, कंटेंट और क्वालिटी भी, ठीक है। तो मेरा तैयारी था इसीलिए दे पा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं नाव तथा धारा, सभी लोग नाव देखे हैं कि नहीं, अच्छा स्पीड तो नहीं ना बोल रहे हैं, क्योंकि जगदेव जी भी स्पीड बोलता है, हमको भी आदत हो गया स्पीड बोलने का, इसलिए प्रयास करते हैं थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, ठीक है। चलिए नाव तथा धारा सभी लोग देखे हैं ना, इसमें डाउट नहीं ना। चलिए अब नाव को बनाने का प्रयास करेंगे तो देखिए अगर हम बात करते हैं अपना नदी का, चलिए अपना नदी मतलब क्यूल नदी का, है ना। अगर क्यूल नदी देखेगा तो अभी तो फिलहाल सुखाड़ है, एग्जाम्पल देने में ना बनेगा, तो थोड़ा सा कल्पना कीजिए, क्योंकि मैथ का मतलब होता कल्पना कीजिए ना, माना की करते हैं हम, पूरा कंप्लीट मैथ करा देंगे और माना की मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स मानना ही नहीं है, एक्स जहां मानने का मतलब है कि हम ऑप्शन एड करा देंगे, और ऐसे वैसे नहीं कराएंगे, अच्छे तरीके से कराएंगे। और आप लोग लगेगा कि नहीं एक्स मान के बनाइए तो एक्स मान लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, लगेगा एक्स से हल्का ये है बिना एक्स का, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि पूरा कमर्शियल मैथ बिना एक्स माने, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, रेट ठीक रहेगा राइट। चलिए नाव तथा धारा, आप अगर थोड़ा सा कल्पना करके आप बरसात के मौसम में जाते हैं तो ये अपना किली नदी लीजिए, क्योंकि आप अगर बड़े एग्जाम्पल में फंसिएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए बड़े मैथ में फंसिए छोटा एग्जाम्पल लेके निकल जाइए, ठीक है। आप अगर फार्मूला याद है तो बड़ा एग्जाम्पल तो आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए छोटा सा लीजिए एग्जाम्पल और उस फार्मूला को सर्टिफाइड कर दिया, सर्टिफाइड है बड़ा मैथ को बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ना कि तुक्का मार के गलती कर देना, ठीक है। अभी जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नाव तथा धारा, आप कल्पना कीजिए कि आप किली नदी के तट पर खड़ा है सभी लोग, ठीक है। एक बार में प्रयास कीजिए समझने को, हम विश्वास दिलाते हैं जीके जीएस मस्ती को, ठीक है। जीके जीएस मस्ती परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं 100% कोई भी चैप्टर एक बार में समझ में आएगा, बस हमारे साथ एक बार में प्रयास कीजिए समझने को। दोबारा नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, इसमें कोई डाउट ना, एक बार में समझिए उसका मजा ही कुछ और है, सभी लोग के साथ साथ मेरे को भी, ठीक है। चलिए नाव तो आप कल्पना कीजिए थोड़ा सा कि आप किली नदी के तट पर हैं, ठीक है। आप किले नदी के तट पर या पुल पर हैं, आप सोचिए कि एक नाव लेके या आप अस्थिर हैं, आप अस्थिर हैं और एक नाव लेके आ रहा है, कि मान लेते हैं कि इसका धारा किधर से है, यानी जम्मू से लखीसराय की ओर। अब आप ही सोचिए एक डंटा दे दिया जाए और आपको एक पुल दे दिया जाए सभी को, तो किस दिशा में जाना पसंद कीजिएगा, धारा की दिशा में। तो देखिए धारा की दिशा में जाना पसंद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्यों पसंद किए, ये तो रीजन होगा ना, कहे ना आप उधर से ऊपर चढ़ जाइएगा, तो रीजन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि धारा के साथ हम नहीं भी पैडल मारेंगे ना तो भी हम लखीसराय पहुंच जाएंगे, क्या सही है कि ना। तो इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन नीचे जा रहे हैं धारा के साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। एक होता आप कल्पना कीजिए, ठीक है, अब उसको एग्जांपल छोड़िए, किली नदी से आइए एक अस्थिर तालाब कर, ठीक है, कहीं भी अगर तालाब दिखे तो आप कल्पना कीजिए तालाब पास है। अब सोचिए आप तालाब पास आपको ले जाया जाए और सबको एक को नाव थमा दिया जाए, सिर्फ डूबे न, आप सिर्फ खड़ा रह के आप देख सकते हैं। अब प्रयास कीजिए वहां पर ले जाकर एक नाव दे दिया, आप स्थिर तालाब पास हैं, क्या बोलेगा, आप खड़ा रहिए, आप लखीसराय कहीं ई छोर से उस छोर जा पाइएगा, नहीं ना जा पाइए, मतलब आप अस्थिर हो गए। जब तक आपको प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आप इधर उधर नहीं जा सकते, यानी कि आप अस्थिर हैं। अस्थिर का मतलब होता है अस्टील और पानी का मतलब होता है वाटर, तो अस्थिर है इसका मतलब होता है अस्टील, ठीक है, और वाटर,
ठीक है। अब देखिए इसका धीरे धीरे हम इतना शॉर्ट ले जाएंगे ना तो आपको सोचना ना समझना, डायरेक्ट मैथ बनेगा, ठीक है। अब आप कल्पना कीजिए आप तालाब पास से हट गए, अब फिर जाइए किले नदी के तट पर, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि लखीसराय से जम्मू आना, इसका मतलब क्या है, आप पानी के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, पानी के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तब विपरीत को ही बोलता है क्या, अप स्ट्रीम, अप यानी कि विपरीत में आ रहे हैं, ठीक है। मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम यानी कि धारा की विपरीत दिशा में। इसका अन्य भी नाम बताएंगे जिससे प्रतिकूल हो गया, ठीक है, अन्य भी नाम है, जब लिखेंगे तो सारा चीज देंगे। चलिए अच्छा यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, अब बताइए सबसे ज्यादा स्पीड किस में रहेगा, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, स्थिर जल में या विपरीत। ऑटोमेटिक है, आप धीरे धीरे कल्पना कीजिएगा, देखिए विश्वास दिलाते हैं समझ में आएगा और कल्पना के साथ मैथ बनेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, कल्पना कीजिए मैथ बनेगा, ठीक है। चलिए तो हम एक शब्द बोले हैं धारा की दिशा में, क्या बोले हैं, धारा की दिशा में। आप चाहें तो इस आधार पर नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। धारा की दिशा में, दिशा में, और कुछ भी थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होगा प्रयास करेंगे नहीं हो, तो देखिए हम लोग भी स्टूडेंट हैं थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है, और प्रयास करेंगे कि नहीं हो। चलिए यानी आप बताइए धारा की दिशा में, इसी को बोलते हैं धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल। तो क्या अनुकूल लिखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन में आएगा लिखा रहेगा तो वहां पर मतलब सोचना समझना ना, अनुकूल मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को बोलते हैं धारा की दिशा में, तो दिशा का मतलब क्या हुआ, डॉन। अब कल्पना कीजिए, देखिए आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश हमको रटना पड़ेगा, आप सोचिए कि कल्पना कीजिए आप किली नदी तट पर, आपको जम्मू से लखीसराय जाना है, धारा की दिशा मतलब डॉन में जा रहे हैं ना, तो डॉन, तो इसको डॉन को डी से, डी से हम सूचित कर सकते हैं, डी से। अब वाटर को क्या लिख सकते हैं, वाटर को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू, यानी कि अच्छा वाटर को हाँ डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, चलिए डी डब्ल्यू लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब हम क्या बोल रहे हैं, स्टील वाटर, देखिए जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना होगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, मैथ को अगर किसी भी चीज को समझते हैं, क्या अगर जीके पढ़ते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में बाबर ही उठा लेते हैं कि उसके पीछे भी जाना पड़ता है, एक तरीका होता है। तो जैसे जैसे लिख रहे हैं उसी तरीका से आपको लिखना है, ताकि सोच बिल्ड हो और बिना देखे बिना कलम उठाए आप बना सके, ठीक है। अब हमको आपको क्या बोल रहे हैं, द्वारा आप एक तालाब पा जाइए यानी कि स्थिर जल पा जाइए, तो स्थिर जल बार बार इधर से लिखने का, स्थिर जल, ठीक है। और स्थिर कोई बोलते हैं मैथ की भाषा में स्टील, क्या बोलते हैं, स्टील। अब जल का मतलब वाटर, तो क्या बोल सकते हैं, स्टील वाटर। अब बताए अस्थिर है, जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा आगे पीछे नहीं हो सकते। अब दूसरा में क्या बोले, विपरीत जाना, क्या जाना कि नहीं जाना, तो चलिए विपरीत जाना यानी कि अब धारा की विपरीत, धारा की, धारा की विपरीत, धारा की विपरीत। और विपरीत के लिए हम क्या बोले हैं, आप स्ट्रीम। आप सोचिए ना पुल पर ना लखीसराय जमुना ना, तो आप ना जा रहे हैं, आपको सोचना ना आप जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कहां कल्पना करने सिखाया कि हम डॉन में जा रहे हैं, फिर कहां तालाब में नहीं अस्थिर है, उसके बाद कहां आप आ रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीज याद रहेगा ना, तीन चीज पर पूरा मैथ कंप्लीट है, ठीक है। इससे पहले यूट्यूब पर देखें कोई मेरा वीडियो, नहीं कोई नहीं देखें, चलिए देखें ना, तो प्रयास करेंगे, पूछिएगा उनसे और उससे भी बेहतर तरीका से प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका लिख सकते हैं अप, क्या लिखेंगे अप, अप। और देखिए वाटर को क्या लिखेंगे, ठीक है, अब हटाइए तो क्या लिखें, डी डब्ल्यू एस डब्ल्यू और यू डब्ल्यू, ठीक है। अप स्ट्रीम, देखिए हम यहां पर क्या बोलते हैं, विपरीत आते हैं ना तो आपका नाव थोड़ा स्पीड रहता है, जबकि जल पीछे से आपको धक्का मार रहा था, ठीक है। तो आप देखिए डी डब्ल्यू एस डब्ल्यू और इसको लिख देते हैं क्या, आप अस्ट्रीम, आप मतलब अस्ट्रीम, अस्ट्रीम मतलब क्या होता है, नाव ना होता, ठीक है। अब देखिए अस्टील मतलब होता शांत, अस्ट्रीम मतलब होता नाव, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आप अस्ट्रीम, क्योंकि यू डब्ल्यू अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, हम अपने तरीका से प्रयास किए बनाने का, ठीक है, आपको कोई टीचर नहीं देगा। तो क्या लिख सकते हैं यू एस, यू एस, क्या बोल सकते हैं डी डब्ल्यू एस डब्ल्यू यू एस। अब ये रटने वाली बात ना, डी डब्ल्यू मतलब डॉन वाटर, ठीक है। अब देखिए डी डब्ल्यू बोलने में आ रहा अच्छा लग रहा है कि डी एस अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा वही लिखेंगे। तो देखिए सेम सेम लिख देते हैं डी डब्ल्यू एस डब्ल्यू यू एस, कोई दिक्कत है। चलिए अपने हिसाब से तैयार कीजिएगा आपको सोच बिल्ड करने के लिए। चलिए अब इस सबको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए दिशा का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल। और भी कोई नया शब्द आएगा तो वहां बताएंगे। विपरीत का मतलब होता है प्रतिकूल,
और भी कोई नया शब्द आएगा तो वहां जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आप इसको लिखना तो लिखिए, आपको तरीका देंगे कि इस तरह से लिखना, ठीक है। अच्छा कहीं ये सब मतलब इसमें दिक्कत ना हुआ, क्योंकि इसी पर पूरा मैथ है, इसीलिए पूछ रहे हैं बार बार कि यहां दिक्कत ना होना चाहिए। समझिए एक नोट तैयार है, आप सोच करके पूरा मैथ को बना सकते हैं। और लिखने का तरीका ऐसा रखिए कि आपका तरीका सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, लिखने का तरीका से आप पूरा क्वेश्चन को बोल दीजिए, इस तरीका से लिखने का प्रयास कीजिए। और हम पूरा कमर्शियल मैथ इस तरीका से बताएं कि हमारा कॉपी देखिएगा, ऐसे तो नोट्स वगैरह है ना सब फट उठ गया, ठीक है, बनाने का प्रयास किए, ठीक है, हटा देता, ठीक है। चलिए सिर्फ पढ़ने से ना होगा, जीवनचर्या को भी थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। चलिए लिख लिए, अच्छा थोड़ा सा लिख लीजिए, क्लास है कितना बजे, 8 है ना, 1 घंटा काफी होगा समझाने के लिए, पहले आप लोग ध्यान दीजिए 100%। कोई भी चैप्टर में फर्स्ट क्लास जो है ना अपसेंड नहीं कीजिएगा, जैसे अगर जब रेगुलर होगा तो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही सारा कंटेंट रहता, ठीक है। आप तो बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिए होंगे, अगर पढ़े होंगे तब, चलिए लिख लिए, इतना लिख लिया ना, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना किस तरीका से है ताकि मैथ मेरा बन सके, इस तरह से लिखने से मैथ नहीं ना बनेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, और एक चाल होता है नाव की चाल, हम आपको बताएं नहीं ना बताएं, तो सबसे ऊपर क्या होगा इसमें से, नाव होगा, क्योंकि कुछ भी करवा रहे थे तो नावे से ना करवा रहे थे, ठीक है। आप खिली नदी के तट पर गए तो कहां थे, नाव लिए थे। आप लकी से ऐसे जम्मू आए तो कहां से, नाव से। आप स्थिर जल में गए थे कहां से, गए नाव पर चढ़ के, ठीक है। तो सबसे पहले नाव मतलब क्या होता है, धारा, ठीक है। नाव कहीं भी धारा रहेगा तो ही ना नाव चलेगा, कहीं भी पानी रहेगा तभी तो नाव का कल्पना कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या रखना है, वेग। इसमें तो कुछ दिख रहे नहीं, चलिए तो सबसे पहले क्या रखना है, वेग मतलब धारा का वेग, ठीक है। और धारा का वेग को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसका नीचे आइएगा थोड़ा सा, फिर हिंदी भी लिख देंगे, ठीक है। और प्रयास करेंगे इंग्लिश से ही, क्योंकि लिखने में अगर धारा का वेग बार बार लिखेंगे तो आप मैथ में वहां फंस जाइएगा, ठीक है। इसलिए कम शब्द लिखिए और कंटेंट को ज्यादा खींचिए, ठीक है। अब देखिए वेग को ही, क्योंकि अब ये वेग जो है ये किसका वेग है, धारा का वेग है, ठीक है। अब धारा का वेग है, अब यहां से 3 दिशा में नाव ले चलेंगे, तो सबसे पहले आपको आसान कौन सा होगा, जम्मू से लखी से डाउन स्ट्रीम में जाने में क्या होगा कि ना, तो सबसे पहले आप कहां जाइएगा, डॉन अस्ट्रीम। देखिए अस्ट्रीम मतलब होता है क्या, नाव। तो नाव को डिनोट कर रहे हैं तो क्या डी डब्ल्यू अच्छा रहेगा, नहीं डॉन अस्ट्रीम बोलिएगा, मतलब डॉन मन किस को ले जा रहे हैं, नाव को ले जा रहे हैं, ठीक है। अब डॉन वाटर बोलिएगा तो मतलब डॉन में जा रहे वाटर के साथ, मतलब आप डूब रहे हैं, ये बेटर नहीं ना, आपको बोलेगा कौन बेवकूफ इस तरह बता दिया, ठीक है। इसीलिए जो बेहतर हो उसको प्रयास कीजिएगा हर तरीका से समझना, तो डॉन अस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। तो डॉन अस्ट्रीम सबसे पहले आप धारा की दिशा में जाना पसंद करेंगे, उसके बाद कहां जाना पसंद कीजिएगा, अस्ट्रीम मतलब शांत के विपरीत जाइएगा, नहीं ना पता चलेगा आपका स्पीड कहीं कम रहे तो समुद्र के तट पर ले जाकर आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो आप उसके बाद कहां जाइएगा, अस्ट्रील वाटर में, कहां जाइएगा, अस्ट्रील वाटर में, ठीक है। अस्ट्रील मतलब शांत जल, फिर हिंदी भी लिख देंगे। और यही तरीका से आपको लिखना भी है, ठीक है, ये ना कि जैसे तैसे उल्टा पुल्टा लिखना, बस इतना चीज याद रहेगा, हो गया मैथ कंप्लीट, ठीक है। एक चैप्टर अस्ट्रील वाटर, अभी 2 को खत्म हो गया, लास्ट में क्या बचा, अपस्ट्रीम हो गया, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम हो गया कंप्लीट। इतना लिखने किसको किसको नहीं आएगा बताइए, अगर पढ़ने आ रहे हैं पैसा दे रहे हैं तो इतना अगर याद करने की क्षमता नहीं है, याद करने कौन बोल रहा है, हमें तरीका बताएं कि इस तरीका से आपको चलना। अगर आप यहाँ से घर जाते हैं तो अगर आप सबसे पहले क्या कीजिए, तरीका ढूंढिएगा, अपने आप फिर पैर ले जाना प्रयास करेगा। जैसे आप बार बार आते हैं, पहली बार पूछना पड़ेगा, दूसरा बार फिर लगेगा गली मोहल्ला का भूल तो नहीं ना गया,
फिर खोजना पड़ेगा। तीसरा बार क्या होगा, आप डायरेक्ट आने का प्रयास करेंगे। चौथा बार आप आंख भी बंद कीजिएगा, कहीं ध्यान हो रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक आप कोचिंग चलेंगे। तो एक दो दिन प्रयास कीजिएगा, मतलब कि आपको लिखने में दिक्कत होगा, तीसरे दिन से तो भेज दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं। अब लिख देंगे धारा की दिशा में, चलिए धारा की दिशा, कोई दिक्कत है? अब ये बताइए ये क्या होगा, शांत जल में, क्या होगा? शांत जल में। और ये क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में। तो लिख देते हैं धारा, धारा बार बार लिखना होगा, चलिए फिर भी लिख देते हैं फर्स्ट डे, धारा की विपरीत। अब देखिए इसी को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, नाम सुन रहे, प्रतिकूल मतलब बोल रहा है सीधा काम करना, उल्टा कर रहा है। उल्टा का मतलब क्या होगा, विपरीत जा रहा है, क्योंकि नाव धारा पड़ रहे हैं, कुछ और दिमाग नहीं ना लगाना, विपरीत मतलब धारा के साथ, अब धारा के विपरीत जा रहा है। अब ये होता है अनुकूल, और भी साथ आता है एक तो और कुछ नाम आता है, देखिए आएगा ना क्वेश्चन में, तो वहां पर बता दूं, ठीक है। चलिए तो धारा की दिशा में ये शांत जल में, ठीक है, और ये धारा के विपरीत, कोई दिक्कत है? आपको इतना लिखने आ गया ना। चलिए अब इसका अगला मैटर पर चलते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या होगा, वेग, यानी किसका वेग, धारा का वेग। ये क्या होगा, धारा का वेग। चलिए आपको इतना लिखने आएगा, अगर हम मिटा देंगे क्या इतना लिख पाइएगा आराम से? और लिखिएगा तो हमेशा इंग्लिश में लिखिएगा, और बोलिएगा तो हिंदी में बोलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किस में आएगा, हिंदी में आएगा, हिंदी में आएगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं लिखना शॉर्ट में, बोलना देखना हिंदी में, ठीक है। चलिए अब इतना लिखने आएगा ना, अगर लिखने का जब भी नाम तथा धारा दिखे तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, ये। जब आप धीरे धीरे ट्रेंड होइएगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं। चलिए अगर मिटा देंगे तो कैसे लिखिएगा, लिख पाइएगा? सबसे पहले क्या लिखिएगा, लिखिए एक दो बार लिखिए, क्योंकि फाउंडेशन की तरह बता रहे हैं, वीडियो बन रहा है सही बात है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं फाउंडेशन की तरह एक बार में यहीं से सब चला जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, वेग, वेग का मतलब धारा का वेग, ठीक है। अगर उसके बाद क्या लिखिएगा, आप चाहें तो तीन वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। उसके बाद इस साइड कौन लिखिएगा, डाउन स्ट्रीम। उसके बाद क्या लिखिएगा, डाउन स्ट्रीम। उसके बाद स्टील वाटर। उसके बाद क्या लिखिएगा, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अब देखिए समझने में दिक्कत होगा कि डॉन मतलब धारा की दिशा में बोलेगा, अगर बोलेगा धारा की दिशा में कुछ बोलेगा तो आप यहाँ नीचे लिखिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत है? देखिए सीक्वेंस अच्छी, अगर इसके बारे में कुछ बोलेगा, बोलेगा धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलता है, चलती है, तो आप इसका प्रयोग कहाँ कीजिएगा, नीचे कीजिएगा। ये नहीं कि ऊपर लपेटिएगा, ऊपर लाइन दिए खिचमिच ना हो जाएगा, आप एक आप दो महीना बाद अपना ही नोट्स पलटिएगा, पता नहीं चलेगा। उसके बाद अगर इसके बारे में चर्चा करेगा तो आप कहां लिखिएगा, इसके नीचे। उसी तरह से इसका प्रयोग करेगा, बोलेगा धारा की विपरीत चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या बोलेगा धारा की विपरीत जाने में 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता, तो आप क्या कीजिएगा, यहां पर क्या लिखिएगा, हमेशा 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेता। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमेशा स्पीड लिखिएगा, बार बार हमेशा यहां क्या लिखिएगा, स्पीड लिखिएगा। ये जो सामने बता रहे हैं ये हमेशा स्पीड चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट बोलेगा शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्ट बोलेगा जो धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, तो इसके सामने लिखिएगा। उसके बाद अगर गति नहीं दिया रहे, बोलेगा कि 6 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 2 घंटा लगता, तो कैसे लिखिएगा, तो बताइए धारा की दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कई घंटा लग रहा, 2 घंटा। तो बताइए आप इतना तो जानते हैं ना कि समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बराबर समय गुना चाल, इतना तो आता है ना। तो आप बताइए 6 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, तो आप एजी पर कैलकुलेशन करके एजे ना लिख दीजिएगा कि 6 किलोमीटर जाने में 2 घंटा। अगर बोलेगा कि बताइए कि 20 शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता, तो आप क्या कीजिए, यहां पर तो स्पीड लिखा था, आप घोच मोच नहीं कीजिए, आप अपने में नहीं फंसिए, क्योंकि मैथ पढ़े अपने में फंस गए तो फिर मैथ पढ़े कौन चीज, ठीक है। चलिए अगर यहां पर लिखते हैं, आप प्रयास कीजिएगा कि इसके ऊपर लिखे, कहीं और कैलकुलेशन ना करना पड़े, ताकि अगर कुछ लेना भी पड़े डाटा तो यहीं से सामने से ले लीजिएगा, पता चलेगा बल्ला को भीम कर रहे हैं तो डाटा जरूरत पड़ा तो कहां से लीजिएगा। चलिए बोलेगा 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लिया, तो बताइए क्या होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमेशा यहाँ क्या लिखेगा, स्पीड। और नाव तथा धारा का 80% क्वेश्चन है जो हमेशा आपको स्पीड देगा, ठीक है।
जो थोड़ा सा हायर ले जाएगा तो आपको वहां पर थोड़ा इधर उधर करेगा, रेशियो देगा, कभी 20 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लग रहा, 5 घंटा लग रहा, इस तरह से देगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया ना। सबसे पहले इसको उतारिए और यहां से इस तरह से लिखिए कि यहां पर केवल स्पीड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन होगा उसके ऊपर करेंगे, नीचे ना करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद फंस जाइएगा तो मजा नहीं होगा, क्योंकि हम भी हर तरह से तरीका से प्रयास कर लिए। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, इसके सामने स्पीड लिखिए और यहाँ पर घेरा बना दीजिए 3 ठो, आपका राइटिंग जैसा होगा उतना खूबसूरत लगेगा। ठीक है, मेरा राइटिंग तो सबसे गड़बड़ है, देख रहे हैं, लेकिन कंटेंट गड़बड़ नहीं होगा, ये हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं। नहीं तो आप YouTube पर जाइए, मेरा कम से कम 5-7 चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, 1-2 चैप्टर छूटा हुआ है, जो आपको लॉजिकली जो भी होता था पूरा कंप्लीट चैप्टर बताने का प्रयास किए थे। अब आधा घंटा में कितना बताइएगा, लेकिन फिर भी आप कॉमेंट जाके पढ़िएगा। ठीक है, कॉमेंट से पता चलता है कि मैटर क्या चल रहा है। अगर कहीं झगड़ा हुआ तो झगड़ा जैसा कॉमेंट रहेगा, पढ़ाई हुआ तो पढ़ाई जैसा, कॉन्टेंट अच्छा रहेगा कॉन्टेंट जैसा, कैसा लगा है पहली बार पढ़े हैं तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए लिख लिया है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, उसके बाद डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर अप स्ट्रीम। अगर कभी भी हमको लिखना होगा सब इसके जस्ट नीचे तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे। आप गौर कीजिएगा, मैथ का निर्माण यहीं से हो रहा है। यहां पर हम कितना शब्द लिखवाए, 4 शब्द लिखवाए, 1, 2, 3, 4। क्या बोट एंड स्टीम में 4 शब्द के अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा, कुछो नहीं आएगा। अब देखिए, समय बराबर दूरी बटे 4। अरे भाई, तो इससे निकालना तो उसका कोई इसका यूज है उतना तो। देखिए इसका अगर कंप्लीट पढ़िएगा, क्योंकि तो शुरुआत कर दिए हैं तो आप पढ़िएगा। तो देखिए, जो आप जीवनचर्या में आने जाने का प्रयोग करते हैं इसको 3-4 भागों में बांटा गया। जैसे नाव तथा धारा से लोग यहाँ वहां जाता है कि ना, गंगा नदी पार करना है, ब्रिज नहीं है तो सुविधा के लिए पार करता है कि ना, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस में 3 तरह के चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़िए, उसके बाद ट्रेन से आते जाते हैं कि ना, आते जाते हैं, उसके बाद आप गाड़ी का प्रयोग करते हैं कि ना, तो वही गाड़ी के बारे में, यानी टाइम एंड डिस्टेंस अपना खुद चैप्टर है, लेकिन इस आपको बताएगा कोई नहीं। ठीक है, आप कहीं नहीं पढ़ लीजिए पूरा यूट्यूब पर। ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा टाइम एंड डिस्टेंस में 3-4 चैप्टर आता। पहला नंबर, यानी टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, आप कितना समय ले रहे हैं, कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, आप घर जा रहे हैं तो इसका क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस ले रहे हैं, आप पता नहीं चल रहा है लेकिन प्रयोग तो हो रहा है ना। ठीक है, तो 3 चैप्टर आता है, नाव तथा धारा क्या आने जाने में प्रयोग कर रहे हैं ना, ट्रेन से, ट्रेन खुद का 1 चैप्टर है, और ट्रेन तो इसे भी आसान है, हम बताने का प्रयास नहीं किए हैं क्योंकि उसमें लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कि बताएंगे। ठीक है, तो ट्रेन जो है 2 रुपया में 3 आम 3 रुपये में कहें, हो गया ट्रेन कंप्लीट। ठीक है, तो 3 चैप्टर आता है टाइम एंड डिस्टेंस में, कौन कौन सा आता है, बोट तथा बोट एंड स्टीम, ट्रेन, एक टाइम एंड डिस्टेंस खुद अकेला जो गाड़ी का प्रयोग करते हैं चोर पुलिस वाला। ठीक है, तो है ना रोड गाड़ी। ठीक है, तो नाव जल से और हवाई जहाज वाला भी तो उसी में आ जाता है। ठीक है, चलिए, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस में कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं ना, कितना चैप्टर आता उसका एक भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट होगा तो और ज्यादा मजा आएगा, लगेगा कि हम जो कर रहे हैं हमको पता चल रहा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब सोचिए, इसमें 4 चीज दिया हुआ है, आप ही सोचिए, 4 चीज दिया, क्या 5वां पूछ सकता, नहीं पूछ सकता। और आप विश्वास कीजिए कि 3 चीज आपको दिया रहेगा, चौथा पूछेगा, कोई दिक्कत है, 3 चीज दिया रहेगा तभी ना चौथा पूछेगा, कि 2 चीज गायब रहेगा 2 को पूछ सकता, वहां पर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, होगा कि नहीं होगा। तो आप प्रयास कीजिए, अब आप ही सोचिए, आप तो कल्पना कर सकते हैं इसके अलावा कुछ पूछ सकता, इसमें नहीं पूछ सकता, क्या पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो हमको टेंशन फ्री रहना है। जब भी नाव तथा धारा क्वेश्चन देखे, घर में देखे, एग्जाम हॉल में देखे, कहीं कोई पूछ दे तो आप सबसे पहले कल्पना कीजिएगा ये बल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं, आप बोलिएगा तो लिखा देंगे, लिखाने में क्या, फॉर्मूला तो यहीं से निर्माण होता। अब देखिए, अगर मान लेते हैं हम इस साइड से इस साइड की ओर जा रहे हैं, अब आप ही सोचिए आपका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, कल्पना कीजिए। आप इस साइड से, आप देखिए उसका प्रयोग आप यहां कीजिए, आप इन्हें सोचना, आप सोचिए आप डाउन स्ट्रीम मतलब आप सोचिए कि धारा की दिशा में जा रहे थे और इधर जा रहे धारा के विपरीत, आपका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। मान लेते हैं यहां धारा की दिशा में था कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा भी आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पर हमेशा स्पीड लिखाएगा। तो क्या ये घोच पोच करना जरूरत है? ये आपका कॉपी सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं और जो पढ़ाया वही पढ़ सकता है और आप क्वेश्चन को देख के बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो मान लेते हैं इसका होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ ना कुछ तो घटेगा ना भाई। अब फिर इधर विपरीत जाएंगे तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो 3 को दे दिया है तो 1 को पूछेगा तो बोलेगा इसका मान बताइए, तो क्या कीजिएगा, फार्मूला का यूज कीजिएगा? नहीं, बोट एंड स्ट्रीम लाइफ टाइम याद रखिएगा, यह एक सीरीज में चलता है। जैसे देखिए इधर से देखिए 4 5 6, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम एग्जाम्पल भी दिया, किताब कॉपी में भी लिखा रहेगा, यह हमेशा सीरीज में चलता है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, तो बताइए कितना कितना डिफरेंस में। तो किसी भी दो लगातार का अंतर यहाँ पर लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। किसी भी आपके इस दिशा से इस दिशा जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए दोनों का अंतर कितना है, लगातार होना चाहिए, ठीक है। आप इस दिशा से इस दिशा में आइए चाहे यहाँ से इधर जाइए, कितना का अंतर है, 1। आप यहां से देखिए यहां पर आइए, मान लेते हैं कि ये वाला नहीं दिया रहता, तब आप सोचिए एक सीक्वेंस में रहता, यहां 4 है यहां 6 है तो ऑटोमेटिक 4 के 5 तब ना 6 होगा, तो 5 के बाद 6 होगा, 100% ये 5 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लास्ट में आपको पहले ही देखिए अपना को बिल्ड कर देते हैं, उसके बाद आपको कहीं फार्मूला दे देंगे ना, आप फार्मूला में उलझ जाइए, ठीक है। चलिए तो ऑटोमेटिक ये कितना होगा, 1 होगा, होगा कि ना होगा। चलिए अगर हम बोलते हैं कि ये 8 है, ठीक है, अगर हम बोलते हैं ये हमेशा स्पीड लिख रहा है, बिना सोचे समझे आपको समझना है कि नहीं कुछ बोल रहा है यानी स्पीड लिख रहा है, ठीक है। हाँ, अगर यहां लिखते हैं 10 और यहां लिखते हैं 8, तो यहां क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा, क्योंकि एक सीरीज में चल रहा है, घट रहा है, तो जितना जितना घटेगा बराबर घटेगा, तो 10 में से 8 गया 2 और फिर 8 में से 2 गया तो 6। अब बताइए यहां क्या लिखाएगा, यहां क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा, किसी भी 2 को अंतर उठा लीजिएगा आपका वो आंसर रहेगा, ठीक है। सीरीज में चलता है, रीजनिंग पढ़े है ना, सीरीज ये एक लगातार में, लगातार ही ना कि यहां से यहां उठा लेना, ठीक है, लगातार में, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम लिखते हैं, चलिए हम यहां पर लिखते हैं 9 और यहां पर लिखते हैं 13, स्पीड जो है धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, पूछेगा कि शांत जल में कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, 11। आपको सोचने समझने की जरूरत है, आपको पता ना आप क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ 9 है तो यहाँ क्या होगा, 11। अगर आपको पूछ दिया तो बेहतर, ना पूछा तो और बेहतर, पूछेगा ये बताइए क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। अब ये 2 क्या लिखे हैं, धारा का खुद का वेग है, धारा का वेग है, तो 2 किलोमीटर धारा का वेग है। अब चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, अगर बोलेगा कि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की दिशा में जो है नाव का वेग 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं, पूछेगा बोलेगा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अब बोलेगा धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए धारा के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो क्या कीजिएगा, जल्दी बताइए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम यहां से यहां चढ़ रहे थे, तो क्या यहां से यहां नहीं उतर सकते हैं, जब सीढ़ी से छत पर चढ़ सकते हैं, सीढ़ी से छत पर छत से उतर भी सकते हैं, तो हम अभी तक चढ़ा रहे थे, क्या उतर नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां से यहां अंतर में चलिए हम यहां से यहां, ये क्या था, 13 किलोमीटर दिया, क्वेश्चन में दिया था, हम अपने से नहीं लिखे, अब बताइए यहां से यहां अंतर में लिख रहे थे, इसी का अंतर यहां है, तो इसका जो अंतर है ये दोनों का अंतर यहां लिख दीजिए, अंतर कितना का, 2, और इस ओर से इस ओर जाएंगे क्या होता, घटता, तो कितना घटेगा, 2, तो 11। अगर ई वाला पूछता तो कितना घटाते, और 2 घटाते, यानी 9 हो जाता, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है तो दोस्त वहीं को जरूर बताइएगा मैथ के बारे में, ठीक है। ऐसा ना नाव तथा धारा इस तरह से पढ़ाए, आप YouTube पर जाके देखिएगा, कम से कम लगभग 8-10 चैप्टर बताए, ठीक है, एक चैप्टर की बात ना, चाहे एज हो चाहे आपका एवरेज सिर्फ छूटा हुआ, एवरेज को भी एक अलग तरीका देंगे, उसका मेथड तैयार हो रहा है, ठीक है। और चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहां से क्वेश्चन लिखते हैं, इसका दिया स्पीड 1 किलोमीटर प्रति
घंटा, क्योंकि धारा का वेग ज्यादा नहीं होता। अपना मन से क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे? नहीं, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा लिखिए। धारा का खुद का वेग बहुत ज्यादा नहीं होता, ऐसा थोड़ा कि एकदम हमेशा पहाड़े से नदी उतरता है, भूतिया नदी है, ठीक है। तो धारा का वेग हमेशा कम से कम लीजिए, कहीं हाफ किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा, कहीं 2, 3, 5 से अधिक आपको प्रयास रहेगा कि 99% चांस है 5 से अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ नाव अति शांत जल में, इसको क्या पढ़ना है? इंग्लिश शॉर्ट में लिखे हैं, बोल रहे हिंदी में, सब कुछ शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। शांत जल में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछेगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, क्या लिखिएगा? आप इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, आप सोचिए इधर जाना घट रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है, तो बताइए। ये देखिए आपको दो चीज दिया, तीसर का पूछ रहा, ठीक है। अधिकतम इसमें 4 चीज पूछ सकता है, न्यूनतम एको को नहीं पूछ सकता, हो गया खत्म। चलिए अब इसके बारे में छोड़ दिया, पूछ रहा है ये दिया पूछ रहा है, इसके बताइए। तो आप इधर से इधर आ रहे हैं, आप ही सोचिए ना, आप शांत जल में थे और धारा की दिशा में चल रहा था, ऑटोमेटिक है कुछ तो कुछ जल बढ़ा देगा ना। तो बताइए ये कितना लिखा हुआ था, इतना लगता अपने ज्यादा चिखा चिखी हो रहा। चलिए ये 10 लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत हुआ यहां तक? चलिए इसमें कुछ और देते हैं, चलिए ये देते हैं 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस सब स्पीड ही रहेगा, कोई दिक्कत, लिखना पड़ेगा। अब इतना तो सोच बिल्ड हो गया अगर किलोमीटर प्रति घंटा लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखेगा तो आपका मिली सेकंड भी ले रहा है ना, अगर 10 बार लिखा तो 1-2 सेकंड ले लेगा। अब वही 1-2 सेकंड के कारण अगर एक क्वेश्चन गड़बड़ाया ना, और क्वेश्चन मेरा गड़बड़ाएगा अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन में गड़बड़ाएगा हम, क्योंकि पढ़ सकते हैं कहीं भी, ठीक है। लेकिन आपको कम समय में और ज्यादा से ज्यादा आपको तैयार कर सके वहां ज्यादा बेटर रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं दिया है इसका स्पीड कितना दिया है, 1/2 किलोमीटर, इसका मतलब धारा का वेग दिया, ठीक है। अगर यहां पर दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, टोटल करवाएंगे, ठीक है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, पूछेगा कि धारा की दिशा में चाल बताइए, तो क्या कीजिएगा? इसमें से आधा आधा जोड़ते, नहीं कि डायरेक्ट यहीं आधा पहुंच जाएगा, एक तरीका इसीलिए बता रहा है। यहां से क्या कीजिएगा, आधा जोड़िएगा, ठीक है, फिर आधा जोड़िएगा। आप धीरे धीरे थोड़ा सा और सोचिए कि यहां से यहां आधा आधा कहते जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक जोड़ देते हैं ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब बताइए यहां से लिखेंगे तो 11.5, बार बार आदत हो गया इधर से लिखने का, यहां से लिखेंगे तो 11 आएगा, जोड़ रहे हैं, फिर यहां आएंगे तो क्या लिखेगा, 12। अब सोचिए यहां से यहां आना रहता तो हाफ जोड़ने में अच्छा लगता, लेकिन अब सोचिए एक गेप करके छोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट बार एक जोड़ देते हैं, आधा आधा एक जोड़ देते हैं, ठीक है। जितना अभी तो आपका धीरे धीरे आप बिल्ड कर रहे हैं, आप उड़िएगा एकदम, जिस तरह देखिए क्वेश्चन, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा रेशियो आप लोग पढ़े हैं कभी, थोड़ा मोड़ा तो जानते होंगे, बाकी ठीक है सब समझ में आएगा। बोलेगा इसका स्पीड दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बोलेगा धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उससे 3 गुना चाल है धारा की दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उसका 3 गुना है धारा की दिशा में चाल। तो गुना भाग ये क्या बताता है, रेशियो बताता है ना, रेशियो। तो बताएगा यहां दिया फिक्स और यहां दिया गुना भाग, मतलब रेशियो, बोल रहा है धारा के विपरीत जो चाल है ना उससे 3 गुना ज्यादा है धारा की दिशा में। तो ये बताइए ये 1 रेशियो जाएगा तो यहां कितना जाएगा, 3 जाएगा, कोई दिक्कत है? अब रेशियो में भी वही मेथड लगाना है, कुछ भी रहे वही मेथड, ठीक है। अब बताइए यहां 1 है और यहां 3 है तो यहां क्या जाएगा, आप ही बताइए, 2 जाएगा। अब किस चीज में जाएगा, रेशियो लिखे था रेशियो में ना जाएगा, रेशियो लिखा था क्या फिक्स मान जाएगा, नहीं रेशियो में ही जाएगा, कोई दिक्कत है? अब आप सोचिए जैसे बोलेगा कि विपरीत दिशा में बताइए धारा की चाल क्या है, विपरीत दिशा में धारा की चाल क्या है। अब सोचिए यहां फिक्स मान दिया, यहां रेशियो में कैसे निकाले? अब हम आपको बताया है ना कि धारा का वेग किसको कहते हैं, किसी भी दो का अंतर उठा लीजिए। अब बताइए ये दोनों का अंतर कितना है, 1-1 का, यहां जानते हैं धारा का वेग रेशियो भी बोल रहा है 1 और एक्चुअल में भी फिक्स मान दिया 1। तब बताइए तुलना सेम जात में करते हैं, ठीक है, कि 3 से उठा 2 कह के 1 से, हमेशा सेम जात से करना, पूरा कॉमर्शियल एडवांस पूरा मैथ। अगर आपका यहां पर रहता दूरी तो दूरी का तुलना दूरी से करते, चाहे आप रेशियो में किसी भी तरह से निकालें।
ठीक है, यहाँ स्पीड दिया था स्पीड से करेंगे, टाइम देता तो टाइम से कर दे, कोई दिक्कत है? चलिए तो कोशिश करेंगे ये खोजे, तो हमको तो ये खोज दिए हैं, क्या खोजे कि ना कि अंतर दिया है, यहां बोल रहा है धारा का वेग जो है एक है एक्चुअल फिक्स मान, जबकि रेशियो बोल रहा है यहां पर भी तो एक ना दिया है। अब बताइए एक का तुलना एक से, तब बताइए एक का तुलना एक से इसका क्या आ जाएगा, एक किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछेगा कि धारा की दिशा में स्पीड बताइए, तो क्या कितना गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे तीन किलोमीटर प्रति घंटा। पूछेगा शांत जल में तो कितना से गुना कर देंगे, दो से, तो दो किलोमीटर प्रति घंटा, इसका पूछेगा तो एक किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए और थोड़ा सा हम ले चलते हैं, चलिए क्वेश्चन है फिर से इसको लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ज्यादा अथी हो गया। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धारा का वेग यानी भी लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ठीक है, आप चाहे तो लाइन पार दीजिए या नहीं पारिए, हम बता रहे हैं इसलिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, लिखिए इंग्लिश में, बोलिए हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा हमेशा हिंदी में, कि इंग्लिश में आप लोग बनाते हैं, ठीक है, हिंदी में बनाते हैं या इंग्लिश में, जो भी बनाते होंगे समझ में पूरा आएगा, ठीक है। डॉन स्ट्रीम, ठीक है, डॉन स्ट्रीम, ठीक है, उसके बाद स्टील वाटर, और उसके बाद अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं अगर आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा था। अगर क्वेश्चन यहां पर क्या लिखते हैं, स्पीड, तो स्पीड को एस लिख करके ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसका जो स्पीड दिया है तीन किलोमीटर प्रति घंटा दिया, और क्वेश्चन बोल रहा है कि शांत जल में जो नाव की चाल है ना विपरीत दिशा से तीन गुना या फिर दुगना लेते हैं, शांत जल में जो नाव की चाल है वो विपरीत दिशा से तीन गुना, तो आप क्या कीजिए, तीन गुना का मतलब ये एक है तो ये तीन होगा। अब बताइए कि ये एक है ये तीन है तो ये कितना होगा, पांच ना होगा, अंतर सीरीज में चलता एक तीन पांच, ठीक है। तो यहां क्या लिखिएगा पांच, फिर आपको फॉर्मूला दे देंगे, हो सकता है ऐसे तो कम कोशिश किया कि नहीं भूला, फॉर्मूला दे देंगे, सिंपल सा यहीं से निर्माण होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए एक है तीन है और पांच है, ये रेशियो में दिया हुआ है, एक चीज देख रहे हैं, और यहाँ फिक्स मान दिया कि हम गुना कर देंगे, तीन पच्चीस पंद्रह, तीन तीन नौ, तीन का तीन नहीं करेंगे, सबसे पहले सेम जात से फिक्स जो मान दिया हुआ एक्चुअल मान उसको रेशियो से तुलना करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बताइए यहाँ एक्चुअल में तीन किलोमीटर धारा का वेग दिया, हम निकालते कैसे हैं धारा का वेग, अंतर से, तब बताइए यहां दो दो का अंतर है तो क्या दो से ना भाग कर सकते हैं, यानी कि धारा का वेग की तुलना धारा का वेग से, ठीक है, और फिक्स मान को हमेशा ऊपर रखते हैं और जो रेशियो हमेशा नीचे रखते हैं, तब बताइए एक रेशियो का मान कितना आ गया डेढ़ किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछेगा कि बताइए शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो क्या बोलिएगा कि डेढ़ गुना कितना करेंगे, तीन करेंगे, तो कितना होगा साढ़े चार किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछ देगा कि बताइए धारा की दिशा में क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, डेढ़ पांच डेढ़ है साढ़े सात। देखिए जीवन में आप लोग का दादा जो भी है, हम लोग का दादा पूरा सिखा, अढ़ैया डेढ़िया पोढ़िया, ठीक है ना, पौने, ठीक है, आना, ये सब बहुत काम आएगा यहाँ, क्योंकि आपको सोच को आप लिखने से बचिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए पांच डेढ़ कितना होता है साढ़े सात, कि पांच गुना तीन बटा दो कीजिएगा, नहीं ना। चलिए अब पांच डेढ़ कितना होता है साढ़े सात, बताइए इसका स्पीड कितना होगा साढ़े सात किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर इसका स्पीड पूछेगा तब कितना हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इतना तो रेशियो में पूरा लपेट दिया, अगर बोलेगा कि धारा की दिशा में हमको 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो क्या कीजिएगा। आप सबसे पहले आप स्पीड तो निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए हम बोल रहे हैं तो आसान लग रहा, लेकिन बुक पर उतरिएगा ना तो उतना ही हार्ड लगेगा शुरुआत में, तो डरना है नहीं डरना। ऐसा हम भी अप्लाई किए हैं कि जब कोचिंग में जाते थे ना तुरंत समझ में आता, लेकिन जब क्वेश्चन रूम में उठाते थे पता चलता था कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी सब कुछ प्रयास करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। अगर बोलेगा 75 किलोमीटर दूरी जाने में कितना घंटा लगेगा, धारा की दिशा में 75 किलोमीटर दूरी जाने में कितना घंटा लगेगा, तो क्या बोलिएगा। धारा की दिशा में बोला है तो दूरी को यहां लिख दीजिए 75, स्पीड कितना है साढ़े सात, तो साढ़े सात से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा
दस घंटा, क्या आ जाएगा दस घंटा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देते हैं फिर क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ। सबसे पहले आपको एक फिक्स मान दे दिया, हो सकता है फिक्स मान यहां दे दे, कोई दिक्कत है, फिक्स मान यहां दे दे या यहां दे दे, कहीं भी दे सकता है चारों में, हम यहां पर लेके बताए। ठीक है, चलिए फिक्स मान दिया, तो जो फिक्स मान दिया उसको रेशियो से तुलना करके फिर उस पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, उसमें भी नचा रहा है कि बोल रहा धारा की दिशा में 75 किलोमीटर दूरी जाने में कई घंटा लगेगा, तो धारा की दिशा के तुलना धारा की दिशा से कर देंगे, स्पीड से, दूरी की तुलना क्या करेंगे स्पीड से करेंगे, तो समय निकलेगा। फिर बोलेगा कि बताइए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बोलेगा अगर 30 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो कई घंटा लगेगा, क्या घंटा लगेगा, तो धारा के विपरीत जगह जहां लिखा हुआ वहां धारा के विपरीत के सामने लिख करके स्पीड से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, समय ना निकलेगा। तो बताए 30 को 1.5 से भाग दीजिएगा तो 20 डना 30 होता है ना, तो कई घंटा लगेगा, कई घंटा लगेगा 20 घंटा लगेगा। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और हाई करेगा, बोलेगा कि धारा की दिशा में इतना दूरी और धारा के विपरीत जाने में उतना दूरी, दोनों को कुल कितना समय लगेगा, जाने तथा आने नहीं बोले, क्योंकि जाने आने बोलेंगे तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अगर नहीं कुछ बोलेगा तो आप 100% लेके चलिए कि डिस्टेंस सेम है। कैसे सेम है, बोलेगा यहां 75 दे दिया है, यहां 75 दिया है, क्योंकि जाएंगे लखीसराय से जम्मू आएंगे तो जब जाएंगे तो आएंगे तो उतना ही दूरी ना, तक नहीं कुछ बोले तो क्या मानना कि दूरी समान है, क्या मानना दूरी समान है। जैसे 75 किलोमीटर जाने में 10 घंटा लगा तो दूरी समान है, जाने आने में कितना समय लगेगा, तो यहां भी लिखा हुआ 75 और 1.5 से भाग देंगे तो 50 जने 75 ना होता, तो बताइए यहां कितना लगेगा 50 घंटा लगेगा। बोलेगा जाने तथा आने में कुल कितना समय लगा है, तो जोड़ ना दीजिएगा 10 घंटा 50 घंटा 60 घंटा, कोई दिक्कत हुआ। इसमें और भी क्वेश्चन आता है एक दो जो कि हमको लगता नहीं आता, अगर आएगा तो बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत हुआ, कहां फिक्स मानने रहेगा, नहीं नहीं आप देखिए आप नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब नहीं होगा, जब गुना भाग दे के गुने भाग पूछेगा तो वहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं हम बोल देंगे कि आप पटना जा रहे हैं तो 2 रेशियो का समय ले रहे हैं, आ रहे हैं तो 3 रेशियो का समय ले रहे हैं, बताइए आप कितना घंटा लिए हैं, क्या बता पाइएगा, नहीं आपको कम से कम कुछ तो देना पड़ेगा जो हम उस क्वेश्चन पर हम बता सके या चढ़ सके। ठीक है, चलिए यहां पर एक ना चारों में से एक चीज ना एक चीज देगा, ठीक है, और अधिकतम 4 चीज पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए और भी इसमें कुछ समझना, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और आप लोग साथ साथ बोलिएगा एक दूसरे। चलिए चलिए सबसे पहले आप लिखिए अपना कॉपी में, जैसे जैसे लिखते हैं भी लिखते हैं डीएस लिखते हैं एसडब्ल्यू लिखते हैं पहले लिखिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से अपना कलम नहीं दबाइएगा ना तो मजे नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ दिन में यहां पर लगेगा तुरंत समझ में आया, वहां पर जाइएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखे, क्योंकि हम नाव तथा धारा बता रहे हैं इसीलिए हम सबसे पहले नाव तथा धारा लिख देते हैं भाई इस तरह से, क्योंकि इसका मेथड यही है तो यही लिख देते हैं। चलिए फिर आपको फार्मूला बता देंगे अंतिम में, तो फार्मूला कोई काम का है। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। अब भी का, अब यहां पर समझाने का मतलब कुछ नहीं रहा, भी का मतलब क्या होता है धारा का वेग, धारा जो नदी अपना वेग से चल रहा। ठीक है, क्योंकि अगर हम अंतिम बता देंगे लास्ट क्वेश्चन फिर पूछेंगे, डाउट है तो पूछिए फिर क्वेश्चन पर ले चलेंगे। ठीक है, चलिए तो 3 भाग में हम बांट दिए, लिखने का तरीका पता है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे डी एस डॉन स्ट्रीम अनुकूल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, स्टील वाटर स्टील वाटर शांत जल, शांत जल का मतलब तालाब झील कुछ हो समझ लीजिए। ठीक है, जहां आप शांत हैं। चलिए उसके बाद अप स्ट्रीम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहां क्या लिखते हैं स्पीड, तोड़ मरोड़ करना होता था ऊपर कर देते हैं, नीचे कीजिएगा अगर इसका कुछ रिजल्ट निकालना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप चाहे तो फिर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब बता रहे हैं तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका से ही बताएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 95% याद रखेगा, ये फिक्स मान देगा यहां पर रेशियो देगा। ठीक है, चलिए अगर यहां पर दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बताइए यहां पर मतलब कुछ ही हुआ धारा की दिशा में, तो ठीक है हम बोले यहां पर दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या भी दिया, भी का मतलब धारा की दिशा में दिया।
ठीक है। अब बोलते हैं कि जो शांत जल का स्पीड है, शांत जल का स्पीड जो है वो धारा की दिशा का आधा है। जो शांत जल का स्पीड है धारा की दिशा का आधा स्पीड है। अब बताइए क्या यहां एक लिखेंगे यहां दो लिखेंगे, जिसमें देखिए जो शांत जल का स्पीड है धारा की दिशा का, तो जिसमें का लिखता है देखिए दिशा का आधा, का आधा, आधा का मतलब एक होता दो लिख सकते हैं, का मतलब गुना होता। ध्यान दीजिएगा, बोल रहे धारा के शांत जल का जो स्पीड है ना, शांत जल का स्पीड, चलिए इसको अच्छा से लिखते हैं, शांत जल का मतलब स्टील वाटर का जो स्पीड है ना, शांत जल का जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम का आधा। तो क्या लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम का आधा। तो का किसमें लगा, बोल रहा है शांत जल का स्पीड धारा की दिशा का आधा, तो का किसमें लगा, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम, का मतलब गुना होता, तो जहां का लगे तो उसको आधा का मतलब आधा लिखिए, जिसमें का लगता है वो नीचे वाला होता, तो धारा की दिशा में का लगा था यानी गुना वाला लगा था, तो वो हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है, या नजदीक वाला, बाकी जो होगा दूर वाला। अब सोचिएगा क्या इसमें उल्टा पुलटा कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, जिसका रेशियो थोड़ा सा वीक है हम उसके लिए बता रहे हैं, जिसमें का लगता है वो नीचे वाला होता या फिर नजदीक वाला होता, बाकी आप दूर भेज सकते हैं, ठीक है। तो बताइए शांत जल का जो स्पीड है धारा की दिशा का आधा, तब बताइए धारा की दिशा दू न है। अब सोचिएगा, अब कल्पना भी कर सकते हैं, बताइए स्पीड यहां घटता है तो ऑटोमेटिक आधा है, तो ऑटोमेटिक अपना मन से लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। अब बताइएगा आधा आधा लिखेंगे तो क्या ये संभव है, जीरो लिख दें, नहीं लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, हर तरह से हाँ ना अच्छा बुरा सब कुछ बताएंगे इसमें, ठीक है। तो अब बताइए क्या आधा लिखेगा, आधा लिखेगा लेकिन शांत जल का प्रयोग नहीं करेगा, बोलेगा अपस्ट्रीम, जीरो नहीं ना करवाएगा, ठीक है, अगर करवाएगा जबरदस्ती हम भी कर देंगे लेकिन नहीं करेगा, विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए हम बोलेंगे अब यहां पर लिख देते हैं क्या अपस्ट्रीम, या फिर बोल देते हैं क्या बोल देते हैं आधा या एक चौथाई बोलेंगे तो होने की संभावना, बोलेंगे जो अपस्ट्रीम है अपस्ट्रीम का आधा। तो बताइए यहां क्या लिखिएगा, यहां लिखिएगा दो, यहां क्या लिखिएगा एक, तो बताइए यहां एक है, यहां कितना लिखा गया तो यहां दो होगा, सीरीज दौड़ाइए, यहां एक है डेढ़ हो गया तब ना दो होगा, आधा आधा बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर किसी को लगता है फार्मूले बताते हैं, तो ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता, आप धारा की दिशा को और धारा के विपरीत को जोड़ करके आधा कीजिएगा तो ये चीज आ जाएगा। तो हम फार्मूला का प्रयोग क्यों करें जब हमारे पास मेथड है, तो यहां एक है डेढ़ है तो दो हो जाएगा, क्या सीरीज चल रहा है। अब देखिए धारा के विपरीत धारा की दिशा को जोड़ दिए तो स्टील वाटर प्राप्त होगा, मतलब शांत जल में जोड़ करके क्या किया, देखिए दो और एक तीन, तीन का आधा डेढ़, तो बताइए एक डेढ़ दो नहीं हुआ, क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ। अब ये सब जो भी दिया हुआ अब इसको थोड़ा सा हम जो घेरा को हटा देते हैं और कलर को थोड़ा सा, चलिए चलिए यहां पर क्या हो जाएगा दो रेशियो डेढ़ रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए एक, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा फिक्स मान, क्या दिया धारा का वेग, यहां पर धारा का वेग क्या कहते हैं कि जो दो को लगातार सीरीज का अंतर है तो कितना कितना का अंतर है, आधा आधा का अंतर है। तो बताइए धारा का वेग दिया दो एक्चुअल में और रेशियो में बोल रहा आधा आधा, तो बताइए आधा बराबर दो पूरा बराबर कितना चार, कोई दिक्कत है, और नहीं समझ में आता देखिए आधा आधा बराबर दो तो एक बराबर कितना आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा चार, ठीक है, क्रॉस करना भी सिखाएंगे, अभी तो क्वेश्चन पर ना चल रहे हैं, मैथ पर कंप्लीट चैप्टर पर चल रहे हैं। तो बताइए पूरा बराबर कितना आ गया चार, अब ध्यान दीजिएगा पूछेगा विपरीत दिशा में तो क्या बताइएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको यहां पर यह चीज नहीं पूछेगा, देखिए ध्यान से क्या पूछेगा, बोलेगा कि यहां पर ताकि गुना भागे मतलब पॉइंट में ना आए, देख लेते हैं कितना चार ना, बोलेगा कि यहां से 20 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, ठीक है, तथा उतना ही दूरी आने में कुल कितना समय लेगा, ठीक है।
आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, नहीं बोलेगा 20 किलोमीटर जाने तथा आने में कुल कितना समय लेगा, तो आपको ये सब चीज क्या स्पीड दिया है ये सबका, लेकिन आप निकाल रहे हैं कहां से निकाल रहे, रेशियो से आप फिक्स मान पकड़ लिए। तो चलिए पकड़ लिए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा कि कितना है, एक बराबर कितना है, चार आया था इधर से चमक रहा है बोला, तो एक बराबर चार, इसका स्पीड पूछेगा तो चार किलोमीटर प्रति घंटा, इसका पूछेगा तो चार डे छे ना छे किलोमीटर प्रति घंटा, इसका पूछेगा तो आठ किलोमीटर प्रति घंटा। आप जा रहे हैं 20 किलोमीटर तो आ भी रहे 20 किलोमीटर, ठीक है। अगर कुछ नया देगा तो बोलेगा 40 किलोमीटर जबरदस्ती यार, ठीक है, तो बोलेगा 20 किलोमीटर धारा की दिशा में गया तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर गया तो कई घंटा लगेगा, तो 8 अढ़ाइया कितना होता है 20, और नहीं तो 8 से आप भागा भी कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़िएगा तो गुना भाग जरूर ऑटोमेटिक है, आधा पौनी सवैया सब सीख जाइएगा बोलते बोलते, ठीक है। तो यहाँ कितना घंटा लगा है, अढ़ाई घंटा ना लगा है, अढ़ाई घंटा। यहाँ कितना घंटा लगा है, तो सेम दूरी ना जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर जाएंगे, कितना का चार का स्पीड से, कई घंटा लगेगा 5, तब बताइए कुल कितना समय लगा है, 5 और अढ़ाई कितना, 7.5 घंटा। आपका आंसर क्या होगा, 7.5 घंटा। अगर इस चीज में किसी को भी डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पर शुरुआत में डाउट रहेगा, ठीक है, और जो कि हम दूर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। क्या इस चीज को जो भी बताए हैं क्या क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता, वही तो करेंगे, ठीक है। शुरुआत में क्वेश्चन एकदम आंख जब बैठेगा ना, शुरुआत में दिक्कत करता है, ठीक है, लगेगा क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो यहां पर किसी को कोई डाउट है अभी तक, चाहे तो रेशियो में हो, ये लिखावट में हो, ये तरीका में हो, एक और फॉर्मूला देख लीजिए जो कि ये कैसे निकाले। हम बोले हैं कि ये दोनों अगर दिया रहे, जैसे ये चार है तो ऑटोमेटिक 6 आएगा तो 8 आएगा, सीरीज में चलता, आंख बंद करके मारना, ठीक है, इन एक फार्मूला का प्रयोग। हम क्या बोले, अगर आप फार्मूला भी लिखते हैं तो अगर धारा की दिशा को एक्स मानते हैं, धारा की दिशा को एक्स, और विपरीत को अगर वाई मानते हैं तो बटा 2 कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, स्टील वाटर, ठीक है। फार्मूला कहीं अलग ब्रह्मांड सा था, सब अपने ना बनता। धारा की दिशा को एक्स माने हैं, धारा की विपरीत दिशा को वाई माने हैं, तो दो चीज को लिए 2 से भाग कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ये चीज आएगा, क्या आएगा, स्टील वाटर। लेकिन अगर वेग निकालना है तो आप क्या कीजिएगा कि धारा की दिशा को क्या माने हैं, एक्स, एक्स माइनस धारा की विपरीत दिशा कीजिएगा और बटा 2 कीजिएगा। यहां माइनस क्यों किए, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको समझाने की जरूरत नहीं, इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा, ये ना कि वाई माइनस एक्स करना, ठीक है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स कीजिएगा तो उल्टा पुल्टा चलेगा, लेकिन ई वाला में नहीं करना। तो ये क्या निकलेगा, डाउन स्ट्रीम। अब बताइए फार्मूला शुरू में बता देते तो दिमाग चकरिया ना जाता, ये झूठ मूठ के क्या फार्मूला, क्या जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, विश्वास रखिए। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछिए, फिर क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए शुरुआत में क्या किए थे, मेरा एक्चुअल मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग दिया था, क्वेश्चन में बोला जो अप स्ट्रीम है ना, यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल, वो धारा की दिशा का आधा, जो धारा के विपरीत दिशा की चाल जो है, चाल मतलब स्पीड यहां लिखे, ठीक है, विपरीत दिशा में जो चाल है वो धारा की दिशा का आधा, तो धारा की दिशा का, जिसमें का लगता है नीचे वाला नजदीक के लिए होता, तो दिक्कत है। हाँ, अब जब रेशियो पढ़े, अभी तो फर्स्ट क्लास है इसीलिए सोच रहे हैं कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इसीलिए आपको हर चीज को बताएंगे, एक एक चीज को जहां फंसता है लोग हर चीज को बताएंगे, ठीक है। तो जिसमें का लगता है तो यहां पर, उसके बाद क्या किए, यहां से रेशियो लिखे, रेशियो क्या आ गया 2 और यहां पर 1 आ गया, यह एक सीरीज में चलता है, यहां 1 है यहां 2 है, तो बताइए 1.5 2 नहीं होता, और नहीं जानता फिर फार्मूला लगाइए और क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे आदत बैठाइएगा, बताइए 2 और 1 3 का आधा 1.5, लेकिन फार्मूला लिखिएगा तो कल्पना, आप जो कल्पना कर सकते हैं वो चीज बंद हो जाएगा। आप सबसे पहले कुछ भी होगा फार्मूले पर जाइएगा, विश्वास करिए कि फार्मूला जब तक सोचिएगा ना तब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट आंसर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए हम फार्मूला को प्रयास करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ 1 है यहाँ 1.5 है, तो बताइए यहाँ क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पर फिक्स मान दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि रेशियो में देख रहे हैं ई वाला कैसे निकालते हैं, भी किसी भी 2 का अंतर ले लेते हैं, कितना कितना का अंतर है, आधा आधा का अंतर था, तब बताइए 2 का तुलना आधा से, तो 1 बराबर आधा बराबर 2 पूरा बराबर 4, ठीक है, 2 बराबर 4 तो 1 बराबर आधा, या 2 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2 ना होगा, ठीक है, उसी तरह आधा बराबर 2 तो पूरा बराबर 4, तो ये 4 जो निकला क्या निकला,
किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि रेशियो स्पीड दिया था। चलिए इसका पूछेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, हम एडवांस तक पूरा लेगा ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे। ई पूछेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ई पूछेगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है, वह क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 20 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में तथा धारा के विपरीत आने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहां ना लिखेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में से एक जगह लिखेगा। आप यहां से जम्मू से लखीसराय जा रहे हैं या आप अपने यहां से घर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर लग रहा। आप बोला 1 किलोमीटर घर आपका जाने में तथा आने में, तो क्या आने में 1.5 किलोमीटर लीजिएगा? नहीं ना, क्वेश्चन में वो शब्द छुपा हुआ, क्या लीजिएगा, ठीक है। और धीरे धीरे नहीं समझ में आया तो आपको और भी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप आ गए हैं कॉन्सेप्ट पर, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे आप समझ, ठीक है, वो दिक्कत नहीं। आप पूछे ना और कोई डाउट है तो बताइए। ये निकला एक्चुअल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बोल रहा धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में। आप सोचिए, आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से घर जा रहे हैं और आपका घर है 20 किलोमीटर, कई घंटा में पहुंचिएगा? 2.5 घंटा लगेगा। तब 20 किलोमीटर जाने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कई घंटा? 8 घंटा। यहीं पर बोल रहा है उसी विपरीत दिशा में वही दूरी, सेम दूरी, बोल रहा 20 किलोमीटर 4 के स्पीड से जा रहा है, कई घंटा लगेगा? 5 घंटा। कुल दूरी कितना, कुल कितना समय लगेगा? तो कुल का मतलब जाने तथा आने में, दोनों ना जोड़िएगा। तो इसका इसका नहीं पूछेगा, ठीक है, शांत रहिएगा, आप खड़े ना हैं, इसका पूछेगा। चलिए, हमेशा ये दोनों का पूछेगा, नहीं पूछ रहेगा तो आप फिक्स मान लीजिएगा कि सेम बोल रहा। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है, आप चाहें तो इस मेथड को लिख सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन पर, कोई भी बुक है तो लाइए, हम क्वेश्चन पर चलते हैं एक तरीका से, ठीक है, क्वेश्चन टेलीग्राम पर ना तो धारा का। अरे भुला गए उतना दिन में। चलिए, आप लोग को अच्छा लगेगा तो दोस्तों एक बताइए, शेयर कीजिए आप लोग, और क्या कर सकते हैं, प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमको एक खुशी होगा कि नहीं इससे और बेहतर देने का प्रयास करें, ठीक है। और ऐसा ना कि एक चैप्टर है, सारा चैप्टर का एक लेवल लेकर चलेंगे, एक लिखने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। नहीं नहीं, सब साथ में है, हम पहले भी पढ़ा रहे थे, लेकिन जब जॉब लगा तो थोड़ा सा और क्या बोल, ठीक है। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हुआ है बताइए? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगेगा कि इतना सारा बोलना और लिखना, आप देखना सब चीज में अंतर होता है। चलिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चलते हैं और क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ना ना, पेन नहीं लेंगे, 3 महीना लगे, तार छूट गया। चलिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, ये लगता चमका रहा है ना, ये चमक रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए, दिखने में दिक्कत ना हो, ना तो बताने में दिक्कत, मतलब जब सब दिखने में दिक्कत हो रहा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, तो समझाने का क्या फायदा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे पहले जैसे ही देखिए, जल में प्रवाह अनुकूल प्रतिकूल, इसका मतलब नाप तथा धारा का। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप हमेशा, चलिए सबसे पहले हम भी लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, तीन भाग में बांट देते हैं, डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर और अप स्ट्रीम, इतना लिख दिया, क्योंकि देखें स्थिर जल में यू फलना लिखना कर रहा है, मतलब नाप तथा धारा का क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जल में कहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन यहां से है। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए 8 कहां लिखाएगा, स्थिर वाटर में। और यहां पर आप क्या लिखिएगा, यहां पर जो है स्पीड लिखिएगा, क्या लिखिएगा, स्पीड। तो बताइए, तो स्पीड पहले से दिया, कोई दिक्कत होगा, तो आप स्पीड लिखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप किलोमीटर प्रति घंटा लिखने में आप सक्षम है तो लिखिए, हमको लिखने का मन नहीं है, क्योंकि हम बता दिए ना, स्पीड का मतलब स्पीड। यहाँ अगर डी लिख देंगे तो डिस्टेंस लिख रहे हैं, अगर टाइम लिख रहे हैं, टी लिख देंगे तो टाइम लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने का तरीका रहेगा ना,
कम शब्दों में बेहतर नहीं बोलता, अच्छे लोगों की पहचान क्या, कम बोलिए ज्यादा सीखिए, सुनिए, और एक जैसे हजार बात सुन करके अगर 20 बात में उसको समझा पाए तो आप बेहतर हैं। तो उसी तरह से बहुत सारा सुन करके एक शब्द में लिख दिए, क्योंकि बात जब सुन रहे थे तो उसमें दिक्कत नहीं ना था। चलिए अब बात करते हैं, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा सोचना समझना कुछ नहीं। यदि नदी का जल का प्रवाह, नदी के जल का प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये जो शब्द लिखा है ये कहां लिखाएगा, नदी में जल का प्रवाह यानी कि धारा का वेग, ठीक है, एक शब्द सुनिएगा, नदी में जल का प्रवाह मतलब धारा का वेग, नाव का वेग नहीं ना बोला, नाव जल का प्रवाह मतलब धारा का वेग, ये धारा का वेग जो दिया है कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए यहाँ 3 लिख दिए कोई दिक्कत है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कोई समझे चाहे ना समझे आप समझिए यही मेरे लिए बेहतर है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा, जल के प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या होता, अगर कभी भी फंस जाइए अनुकूल प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल मतलब होता है साथ साथ चल रहा, यानी धारा के साथ साथ चल रहा, ठीक है, प्रतिकूल बोल रहा है तो आप नाव तथा धारा पढ़ रहे हैं तो धारे के प्रतिकूल जाइएगा, कि बोलिएगा कि हम अपने घर में पापा के साथ चले हैं, पापा के प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आप परिवार को यहाँ जोड़ रहे हैं तो पापा जोड़ रहे हैं, तो पापा के प्रतिकूल चल रहा है या अनुकूल चल रहा है, या नाव तथा धारा है ये जल की बात हो रहा है तो जल के अनुकूल प्रतिकूल चल रहा है, ठीक है, जब भी फंसिएगा अनुकूल में ये विपरीत, क्योंकि हम भी फंसते थे आप भी फंस सकते हैं, अभी नहीं फंसिएगा 10 दिन बाद फंस जाइएगा, ठीक है, तो अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, ठीक है। अब चलिए यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, आप सोचिए पूछ कह रहा है, आपको ये देखना होगा और बताना होगा, पूछ रहा अनुकूल नाव का चाल बताइए, अनुकूल मतलब कौन सी पूछ रहा, आप बताइए क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा, यहीं से आप धीरे धीरे लो क्वेश्चन आपको हाई तक ले जाएंगे, तो बताइए यहाँ क्या होगा, आंसर होगा ना, कोई दिक्कत है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हो गया आपको पता, आपके पास अब क्या बोले नहीं है मैथ, ऑप्शन नहीं है आपको, अब इसे क्या करें, क्वेश्चन सब कुछ अपने सेटिंग करना पड़ता है ना, उसमें ऑप्शन नहीं था इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जैसे ही देखे एक नाव के बारे में बात कर रहा, आप क्या सोचिएगा, सबसे पहले एक मेथड बनाइए, एक जो तैयार किए थे, क्योंकि आप शादी ब्याह होता हर चीज जो तैयार करके रखे हैं उस दिन होता है कि अप्लाई करना है, और सही तरीका से अप्लाई होगा कि ना, जब एक सीक्वेंस में कोई भी चीज तैयार किए हैं तो एक तरीका से, हमको यहाँ से हावड़ा जाना है तो क्या होगा, सबसे खाना पीना ले जाएंगे, और भी जैसे जहाँ गाड़ी जाना होगा सबसे पहले यहाँ गाड़ी जाएंगे, फिर टाइम होगा तो खाना खाना अपना खाएंगे, तो ये चीज जो तैयार किए हैं तो उसको अप्लाई कीजिएगा ना, कि खाना बना लिए हैं, गाड़ी ले लिए, पता चला हावड़ा जाना घर में सुतल, ये नहीं ना होना चाहिए। चलिए तो जो चीज आप सीखे हैं उसको अप्लाई कीजिए, क्या बोल रहा है, नाव तथा धारा देखे हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, भी लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, डी एस, उसके बाद देखिए धीरे धीरे लाइन पा रही है, हम लाइन नहीं पा रहे कुछ देर बाद, ठीक है, क्योंकि आदत हो जाएगा, आप लोग भी पा रही है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू का मतलब शांत जल, उसके बाद क्या लिखेगा, याद नहीं करना, इसको बैठाना, हाथ अपने अपने बैठ जाएगा, जैसे पैर कहीं जाते हैं लगातार तो आप कहीं भी मोबाइल में भी ध्यान है, आप पढ़ने पर ध्यान है, फिर भी आपको वहां पर पहुंचा देगा, तो कुछ समय लगता है इसके, 2 बार 4 बार 5 बार चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए, आप हर चीज को लिख दिए बस अप्लाई कर रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक नाव धारा के साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाता, अब देखिए एगो नाव है धारा की दिशा में 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाता, आप बताइए 18 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है, इसका स्पीड क्या होगा, आप वहां पर हमेशा स्पीड लिखिए, क्योंकि कोई भी काम स्पीड से होगा, ठीक है, इसीलिए यहां पर स्पीड होता है, आप बिना सोचे समझे आप नहीं भी लिखते तो काम हो जाता, ठीक है, 3 घंटा में 18 किलोमीटर बताइए इसका स्पीड क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या बोल रहा, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, शांत जल में नाव की चाल कितना, शांत जल का मतलब कहां लिखाएगा, 5। अब आपको सोचना कुछ क्या पूछ रहा, आप ये सोचिएगा कौन सी पूछ दिया, तो ये वाला पूछेगा तो क्या लिखिएगा, कितना कितना का अंतर में चल रहा है, 6, 5, 4 आंसर हो गया। अब हमको ये देखना धारा का गति पूछा, मतलब ये वाला ना पूछा, तो बताइए ये समान अंतर होता तो क्या लिखिएगा, तो एक लिखिएगा, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 था यहाँ 1।
अब देखिए फार्मूला से भी बनाइएगा तो वही आएगा, ये पूछा है तो हम क्या बोले, धारा की दिशा का, धारा की दिशा और अपस्ट्रीम का अंतर ले लीजिएगा, अंतर नहीं लीजिएगा, हमेशा ये इससे कम ही होगा, तो क्या कीजिएगा इसमें से इसको घटा करके दो से भागा, जैसे देखिए छह में से चार गया दो, और दो भागा दो कीजिएगा कितना होगा, क्या कोई गड़बड़ है? चलिए क्वेश्चन को लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आपको पीडीएफ दे देंगे वहां से बनाने, लेकिन एक बार बनाइएगा तो मजा आएगा। चलिए चलिए, जैसा ही दिख रहा है हमको, एक नाभिक अपनी धारा के अनुकूल प्रतिकूल, आप क्या लिखिएगा सबसे पहले एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख लीजिएगा कि ये भी है, ये क्या है, डी डब्ल्यू है, डी एस है, ये एस डब्ल्यू है, और ये कोई दिक्कत है, अब लाइन छोड़िए, फिर क्या आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, स्पीड लिखिएगा, स्पीड में आप ध्यान से आगे बढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, एक नाभिक अपनी नाव से धारा के अनुकूल अढ़ाई घंटा में 25 किलोमीटर, धारा के अनुकूल मतलब क्या, धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा, 25 किलोमीटर काय घंटा में, अढ़ाई घंटा में, तो उसका स्पीड बताइए 10, क्या यहां पर लिखना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाता है तो अढ़ाई घंटा लगता है, तो इसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या आप लोग का सोच बिल्ड हुआ ना थोड़ा सा, क्या नहीं हुआ, अब धीरे धीरे और ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर बताइए कि यहां स्पीड कितना लिखाएगा 10, इन तीनों में से एक को पकड़ा जाएगा ना तो सब कुछ हम बता सकते हैं, अब देखिए एक ने एक दिल रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, धारा की गति तीन दिया है, तो बताइए नाभिक का सामान्य चाल, नाभिक का सामान्य चाल, ना कि नाभ का गति पूछा, नाभिक का सामान्य चाल क्या, तो नाभ जो अपना चाल है, नाभ जो अपना चाल चलेगा वो कहां चलेगा, शांत जल में, आप सोचिए ना आपका कितना एनर्जी है, आप शांत जल में ही आपका देखा जा सकता है, अगर धारा की दिशा में जा रहा है या विपरीत जा रहा है तो यहां आपका संभव नहीं होता बता सके, ठीक है, बिना डाटा, लेकिन आपका डाटा जो है आपका कितना एनर्जी है आप शांत जल में तुरंत पता चल जाएगा, तो नाभ का क्या स्पीड है वो शांत जल में पता चलेगा ना, तो बताइए बोल रहे नाभिक का सामान्य चाल बताइए, नाभिक मतलब नाभ का, ठीक है, और नाभिक किसको बोलता है जो नाभ को चला रहा, ठीक है। अब बताइए यहां 10 है, यहां 3 है, तो बताइए यहां क्या होगा, अब बताइए अगर फार्मूला का प्रयोग करते तो सबसे पहले आपको यहां जाना पड़ता, ठीक है, उसके बाद यहां आना पड़ता, अगर इसमें भी तानी मनी इधर उधर करता तो फिर से फार्मूला पर जाना पड़ता, क्या बेहतर है कि नहीं, ओ घटेगा, तो देखिए हाँ तो यही होता है मैथ, अगर आपको सोच अच्छा अगर आप सीख गए तो ऑटोमेटिक हमको गलती करने से क्या होगा, आप खुद गलती नहीं कीजिएगा, तो यहां क्या होगा, अगर वहां पूछता तो 10 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक दो बार लिखने का भी आप लोग प्रयास कीजिएगा, साथ साथ लिखिएगा तो आपको हैबिट बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको देख रहा है, स्थिर जल में ये फलना ढकना कहले है, तो आप एक तरीका लिखिए, सबसे पहले आप नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हम बता रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, हम लिखते भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर और अप स्ट्रीम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति स्थिर जल में क्या दिया हुआ, 3 किलोमीटर, अब स्थिर जल हिंदी में बोला हम, यहां पर इंग्लिश में पढ़े हैं तो क्या होगा बताइए, कितना लिखेंगे 3, और यहां पर लिख देते हैं स्पीड, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, यदि जल धारा की गति 2 किलो क्या लिखा है, यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की गति यही ना है, अब बताइए ये 3 है ये 2 है तो ये क्या होगा, ये 3 है ये 2 है तो ये क्या होगा, घटा दीजिए, और नहीं तो 5 में से 2 गया तो 3, फिर 2 घटाइएगा तो 1, पूछ क्या रहा ये खोजना पड़ेगा आपको, अब ध्यान दीजिए पूछ क्या रहा, देखिए उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तथा वापस आने में कितना समय लगेगा, अब बताइए धारा के विरुद्ध जा रहा 10 किलोमीटर तो आएगा 20 किलोमीटर नहीं ना, जितना जाइएगा उतना ही आइएगा, ठीक है। अगर जाइएगा 10 जबरदस्ती बोला 20 आपको ले जाना है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन नहीं कुछ बोलेगा तो आपको सेम समझना, तो 10 जा रहा तो 10 ही ना आइएगा, अब बताइए समय पूछ रहा है, ये तो स्पीड है और ये क्या है डिस्टेंस है, तो दूरी बटा चाल,
बराबर समय। तो बताइए यहाँ समय कितना लगेगा, 10 किलोमीटर जा रहे हैं 5 के स्पीड से, तो 2 घंटा लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर, लगेगा 2 घंटा। अब प्लस आप चाहे तो एक तरीका से यहाँ पर ऊपर में ही बलग लिखिए, 2 घंटा यहाँ लगेगा और यहाँ कितना लगेगा, यहाँ तो 2 ना होगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। अब बताइए एक की चाल से 10 किलोमीटर जा रहा है, क्या घंटा लगेगा, 10 घंटा। तो बताइए यहाँ तो लग रहा है 10 घंटा, ठीक है, और यहाँ लग रहा है 2 घंटा, तो जाने तथा आने में कुल कितना समय लगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए 10 प्लस 2 बराबर कितना होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो जो वहां पर बताए वही ना बताए, और इस चार शब्द के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा तो ऑप्शन हिट भी कराने का प्रयास करेंगे, और 99 में से एक क्वेश्चन आएगा तो आप 99 पर ध्यान दीजिएगा कि एक ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि 100% होने की संभावना, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो पूछने लायक मतलब नहीं पूछा जाता है, उसको जबरदस्ती है उंगली करेगा, तो वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आप प्रयास कीजिए कि जिस जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाए, ठीक है। वो लक्ष्य जो है आपको एक हमेशा डाइवर्ट करेगा और 98-99 आपको सफल दिलाएगा, ठीक है। कुछ लोग मतलब जबरदस्ती उंगली करेगा तो उस पर नहीं ध्यान देना है, आपको अपने काम से ध्यान देना, ठीक है, ताकि आप जो सीखे वो तो आपको मतलब वो आपको आ रहा है कि ना, ये बेटर होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास लेना है क्या जरूरत, चलिए एक दो क्वेश्चन और बता दें, सब कुछ सेम है, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, एक भी इधर उधर नहीं जाना, और जो बचेगा, और अभी तो जगदेव जी लेंगे, जो बचेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तैराक, जैसे ही तैराक दिखा मतलब नाव धारा चल, ये ऑटोमेटिक यहीं पर जाएगा, चल धारा की दिशा में बोल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेगा, वी डी एस एस डब्ल्यू और US, ठीक है। आप चाहे तो लाइन भी ड्रॉ कर लें अपनी सोच के हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, आप बैठा दीजिए चुपचाप, बोल रहा है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बताइए धारा की दिशा तो ये ना है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए, नहीं लिखिएगा। फिर बोल रहा है धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विरुद्ध देखिए तीन शब्द मिल गया, धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत और धारा के विरुद्ध, तो किसी को समझने में दिक्कत है, बस यही सब शब्द नया मिलेगा जो आपको हो सकता है 10 दिन बाद कन्फ्यूजन करे, ठीक है, अभी नहीं होगा, जिसमें पढ़िएगा खूब मतलब अच्छा लगेगा, 10 दिन बाद पता चलता है इसका रिजल्ट, ठीक है। चलिए तो धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत कितना दिया, अब ऑटोमेटिक आप ढूंढिएगा कि हम बता दें आपको क्या, तो बताइए क्या पूछ रहे हैं, हमको काट दिया, पूछ रहा धारा का वेग बताइए और शांत जल में बताइए, तो धारा का वेग बताइए शांत जल में, बताइए यहाँ 6 है यहाँ 10 है, तो 6 2 8 2 10 ना होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बताइए 6 2 2 2 2 तो यहाँ क्या होगा, ये दो जो निकाले क्या निकाले, किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग, और अभी तो जगदेव की क्लास लेंगे, और जितना भी क्वेश्चन है आप जा करके खोज खोज के बनाइएगा, जितना डाउट रहेगा कल पूछ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं मजा आया, आएगा, और विश्वास दिलाते हैं कॉमर्शियल मैथ, एडवांस मैथ है कि थोड़ा फार्मूला नहीं लीजिएगा तो काम आपका नहीं चलेगा, लेकिन कॉमर्शियल मैथ है कि हम कंप्लीट बिना एक्स माने, क्या आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ एक्स माने, उसी तरह से ट्रेन चैप्टर है, एज चैप्टर है, या आपका एवरेज चैप्टर है, या आपका और अन्य भी कोई भी चैप्टर है, जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक तो बेसिक लेंगे, खाली फर्स्ट क्लास आप लोग भी जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना भी मैटर था फर्स्ट क्लास, जिसका ये एक घंटा छूट गया क्या उसको समझ में आएगा, या आपका कॉपी जब तक देखेगा उसको कॉपी समझ में आएगा, नहीं आएगा, या तो आपका बात सुनेगा इसको लिखा कैसे है तभी समझ में आ पाएगा क्या हकीकत है कि नहीं। तो हम प्रयास किए हैं कि इस चैप्टर को जाके ढूंढ ढूंढ के बनाइए, आपको कोई भी किताब से बनाइए, ठीक है। हम तो अभी बताते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सारा, क्योंकि बता देना और खुद से बनाना बहुत अंतर होता है, बहुत सारा शब्द आपको नया मिलेगा, रेशियो वाला भी नहीं नया मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिएगा, हम लोग भी थोड़ा देखिए प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोग का जम्मू डिस्ट्रिक्ट है या बिहार से जो भी लड़का छूट जा रहा है, और खास तौर पर जम्मू से बहुत कम जा रहा है, ALP है या थी में है या दरोगा में है, प्रयास कर रहे हैं
कि बराबर का अधिकार हो, ठीक है। और इस बराबर के अधिकार को आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने से यही फायदा होता है कि कंटेंट जो है आपको अधिक से अधिक मिलेगा, क्वालिटी बेहतर मिलेगा, ठीक है। और जब आप लोग अधिक से अधिक जुड़िएगा तो आपको और ज़्यादा ऊंचाइयों छूने में हम लोग अधिक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो भी है आप हम बताने का प्रयास किए हैं इसके साथ जय हिंद, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हर चैप्टर को ऐसा ना है कि इस चैप्टर को देखिए अभी जॉब पर से आए हैं और ये चैप्टर जो हमको मतलब ट्रेन से भी देखते हुए आ रहे थे उसी तरह से एवरेज भी लेंगे, एन भी चैप्टर लेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय दादा जी। तो बोलो हाँ बोलेंगे ना, हमको क्या, हम खींचते रहेंगे धीरे धीरे, जितना क्वेश्चन है कम से कम तो करवा देंगे। लाइव नहीं हो रहा ये थोड़ा लंबा जाए तो यहाँ भी दिक्कत होगा, ठीक है खींच दें। चलिए अच्छा है, ये क्वेश्चन हो गया था ना, रात भर देगा रिसेप्शन पार्टी में दो तीन दिन से भीड़ भरी कर रहना। चलिए जिसको जैसा जुड़ता है आप प्रयास कीजिए, देखिए फटा हुआ चलेगा लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। जीवन में बहुत सारा जो है ऊपर नीचे होते रहता, लेकिन आप अगर अच्छे विचार से चलते हैं तो हर चीज़ में सफल होइएगा। तो कपड़ा मायने नहीं रखता, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ होगा तो सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता, ठीक है। तो जैसे ही धारा के विरुद्ध और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिखा तो आप अपना मेथड को यूज कीजिए। मेथड क्या लिखिएगा, भी लिखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा आप डाउन स्ट्रीम स्टील वाटर ना स्टील वाटर, उसके बाद अप स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आप अपना मेथड को जैसे जैसे बोल रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं ना, इतना भी नहीं कर सकते, इतना तो विश्वास रखते हैं। क्या बोल रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता, तो देखिए डिस्टेंस ऊपर में बोले ना लिखने, धारा के विरुद्ध का मतलब विपरीत प्रतिकूल, तो बताइए कई किलोमीटर जा रहा, 15 किलोमीटर जा रहा, 100% लगभग यही चांस रहेगा कि जितना जा रहा उतना ही आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता, जबरदस्ती ना बोल दिया, तो आपको जबरदस्ती बोला था लिख दीजिए 25 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा। अब क्या बोल रहा है, जाता उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटा लगता, मतलब धारा के विपरीत भी गया 15 किलोमीटर ना तो 5 घंटा लगा, और धारा की दिशा में भी गया 25 किलोमीटर तो भी जो है 5 घंटा लगा। अब बताइए 25 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में तो 5 घंटा लग रहा, तो इसका स्पीड बताइए, बताइए स्पीड बताइए 5, और इसका स्पीड बताइए विपरीत 15 किलोमीटर जाता तो भी 5 लगता, तो इसका स्पीड बताइए 5 दिया 15। अब आप खोजिए कि पूछ क्या रहा, ये 3 है 4 है 5 है तो है ना, 4 ना होगा, 3 4 है तो यहाँ 1 होगा, 1 1 का अंतर। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा, धारा का वेग शांत जल में नाव का चल, हो गया ना, कितना होगा, ये 4 होगा ये 1 होगा, ठीक है। आप कभी कभी रेशियो इस तरह में पूछ देगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है धारा का वेग, ठीक है, तो धारा का वेग रखिएगा, धारा का वेग क्या होगा 1, और नाव शांत जल में चाल क्या होगा 4 होगा, तो इस तरह से रेशियो देगा तो रेशियो लिखिएगा। किसी को दिक्कत हो रहा, प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि ना, चैप्टर पढ़े होंगे, हमको विश्वास है ये सब चीज़ है कमर्शियल तो पढ़े होंगे कभी ना कभी, लेकिन जो एक नया अंदाज में पढ़ाने का प्रयास कर रहा है कोई यूट्यूब चैनल पर या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग बस इतना ही करिएगा कि सपोर्ट करिएगा बस, बाकी और इससे अच्छा अच्छा मेथड बताने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा,
एक नाभिक शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता। जैसे ही नाभ के बारे में देखे हैं तो क्या लिखेंगे, वी का मतलब होता है धारा का वेग, ठीक है, जो पानी का अपना वेग होता। उसके बाद क्या लिखेंगे, टी एस एस डब्ल्यू, ये किसी को पता चले चाहे ना चले आप लोग को जानकारी होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जो जो लिखा है क्वेश्चन में वो ऐसे वैसे उतार दीजिए, आपको सारा मेथड अपने आप दिखने लगेगा। क्या बोल रहा है, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता, तो शांत जल यहां पर ना, तो बताइए स्पीड कहां लिखते हैं, ये दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये फिक्स मान दिया, ठीक है। अगर रेशियो देता तो रेशियो यहां पर इस तरह से लगा देते, ठीक है। फिर क्या बोल रहा, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको दो चीज पता चल गया, तीसरा के बारे में जानकारी भी नहीं लेंगे क्योंकि सब कुछ सीरीज में चलता है, ये 2 है, ये 6 है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, आपको समझ में आ रहा है ना। आप लोग को किसी को डाउट रहेगा, इसीलिए बोलते हैं एक बार में समझने का प्रयास कीजिए ताकि बार बार हम बोलने का मतलब आपको भी दिक्कत ना और हमको भी दिक्कत ना, ठीक है। चलिए आप बताइए पूछ कौन सी रहा हमको, ये देखना है, बोल रहा यदि कहाँ से, यहाँ से ना क्वेश्चन, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या बोल रहा, नदी में नाभिक का स्थान ए से स्थान बी तक जाता, ठीक है, और वापस ए तक आने में, कहने का मतलब ये है कि आप जम्मू से लखीसराय गए और लखीसराय से जम्मू आए, हम बोले उसी को शब्द को बोलता है मैथ, क्योंकि ये जम्मू लखीसराय नहीं ना जानता, ये बोलता है ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, बस यही तो बोल रहा। अब कुछ डिस्टेंस दिया, कुल 4 घंटा कितना लगता, ए से बी तक जाने तथा वहां से आने में कुल कितना घंटा लगा, 4.5 घंटा लगा। आप सोचिए यहां पर कुछ डिस्टेंस होगा, यहां पर कुछ डिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, यहां भी कुछ डिस्टेंस होगा, यहां भी कुछ डिस्टेंस होगा, और गया भी आया भी, तो टोटल कितना समय लगा, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को लिख सकता है 4.5 इस तरह से, आवर को आवर। अब आप सोचिए अगर दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए वहां पर ऑप्शन रहता कि नहीं रहता, हाँ रहता। आप सोचिए यहां पर क्या रखें कि हमको 8 से भागा देने पर, यहां पर क्या रखें कि 4 से भागा देने पर 4.5 आ जाए, सोचिए कुछ क्या रखें। नहीं तो देखिए लास्ट में तो एक्स है ही आपका, लेकिन अगर ऑप्शन रहता तो एक बार में रख के आपको बता देते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से देखिएगा तो हमको लगता है 4 3 12 और 8 12, ठीक है। फिर आपको एक्स मान के भी बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आप मैथ बना रहे कब तक आप एक्स का प्रयोग कीजिएगा। आप सोचिए आप यहां पर दोनों एक ही मान रखेगा, जैसे यहां 12 रखे तो यहां 12, यहां 20 रखे तो यहां भी 20 रखना होगा क्योंकि जा रहे आ रहे सेम डिस्टेंस होगा। आप सोचिए कि 8 के स्पीड से कितना दूरी जाए और 4 के स्पीड से कितना दूरी जाए कि दोनों का समय जोड़ेंगे तो 4.5 घंटा, ठीक है। आप दिमाग लगेगा कि 8 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल, हमको लगता है 4.5 है, कहीं कहीं ना कहीं आधा या 1.5 आना चाहिए, तो हमको लगता है कि अगर ये 12 रख देंगे और यहां भी 12 रख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 8 12 किलोमीटर 8 के स्पीड से जाइएगा तो 8 12 यानी 1.5 घंटा लगता है कि नहीं लगता, लगता। फिर अगर बोलिएगा कि 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं तो 4 3 12 3 घंटा लग रहा है, यानी 3 घंटा लग रहा और यहां से 1.5 घंटा लग रहा है, क्या 4.5 किलोमीटर जा रहा ना। अगर ऑप्शन रहता आपको कि ऑप्शन नंबर ए 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी रहता 20, ऑप्शन नंबर डी, तो आप यहां पर रख के भी देख सकते थे, कोई दिक्कत है, और नहीं तो देखिए एक्स भी मान सकते हैं। अब बताइए यहां कुल समय दिया, कुल का मतलब होता है योग, जोड़ते हैं ना, बोलेंगे आप दोनों का कुल योग, कुल योग। आप बताइए एज का बोले, वेट का बोले, तो यहां कुछ ना कुछ बोलेगा ना, तो बोले कुल वेट कितना, वजन तोल के बता दीजिए जोड़ करके, ठीक है। अंतर बोलेंगे, अंतर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो यहां बोला कुल जाने तथा आने में, यानी टोटल होता है जोड़ करके, तो बताइए जोड़ करके 4.5 घंटा लगा, तो समय ना यहां पर एक्चुअल में क्या दिया, समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। अगर यहां पर हम क्या बोले कि डिस्टेंस समय साथ सेम ना रहेगा, अगर एक्स मानते तो देखिए आपका कल्पना थोड़ा सा सोच विकसित हुआ तो दिमाग लगा के लगा सकते हैं, इसीलिए कहते हैं मेथड जानिए, तरीका जानिए, आप ऑटोमेटिक यहां पर रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन भी बताएंगे, यहां भी तो एक्स रखेगा, जितना जा रहा उतना ही ना रहा, तो ये डिस्टेंस यहां एक्स है, यहां भी एक्स, जिससे 12 रखे थे वहां भी 12 रखाया कि नहीं रखाया, हाँ रखा है। चलिए अब देखिए ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, हमको पहुंचना है समय तक, पहुंचना है समय तक, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो बताइए दूरी बटा चाल, तो दूरी है एक्स और यहां चाल है कितना,
यहाँ टोटल समय दिया तो टोटल का मतलब होता है योग, अंतर रहता तो अंतर लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ भी एक्स है, यहाँ स्पीड कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 9/2। आप इसको हल भी कर सकते हैं, तो हम इसका प्रयोग क्यों करें, यही ना मेन सवाल है कि इसका प्रयोग क्यों करें। आप इसको भी हल कीजिएगा तो वही आएगा 12, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, और दिमाग लगाइएगा तो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, लिखना है या हटा पीडीएफ स्क्रीन शॉट ले रहा है क्या? इसीलिए बोलो लिखना है तो लिखिए ना तो आगे बढ़ जाते हैं। ये मेथड आपका लिखा हुआ नहीं जाएगा। अपने से लिख लीजिए आप। अच्छा, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा? चलिए अगले पार्ट से लिख दीजिए, समझिए, थोड़ा स्पीड लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग ये मत सोचिए सिर्फ हम ही लोग जुड़े हुए हैं, आईने भी जो है ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। तो हर जब आप बता रहे हैं तो सब चीज पर ध्यान देना होता है, क्योंकि जो जो लोग जुड़ा हुआ है उस पर तो ध्यान देना है ना, तो ठीक है। आप लोग ये सोच के रखिए कि आप लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी ध्यान देना, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना काम भी कीजिएगा। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए, जैसे जैसे बनाते हैं बनाइए, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, बनाइए। देखिए आप लोग कल आइएगा तो हम आपको सिलेंडर बताएंगे, और एक अच्छे तरीका से बताएंगे जो आप कहीं ना पढ़े होंगे ना सुने होंगे, ठीक है। सिलेंडर मतलब बेलन, ठीक है, पढ़े हैं ना, ये 3D में आएगा ना, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो और अच्छा समझ में आएगा, पढ़े हैं तो भी समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद दिमाग उधर भी भागेगा इधर भी भागेगा। चलिए बनाने का, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे बनाइए, बाकी कुछ नहीं है। बोल रहा 30 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा लग रहा, स्पीड बनाइए। हाँ, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कल इन लोगों का कितना बजे टाइम बता दे, कल रोहित क्लास होगा ना, इसलिए कल कितना भी टाइम रहेगा ये लोग बता देते हैं। नहीं बस आना है, जैसे मेरा है सिलेंडर बताएंगे कितना बजे आएगा, तो तुम्हारा क्या, तो उस हिसाब से इन लोगों को बता देना। तो कल 7:30 बजे स्टार्ट करना, 7 बजे खाना मैं खाया था बस। चलिए हो गया, कहाँ फंस गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा ठीक है आएगा, थोड़ा सा है इधर उधर, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे नाप धारा दिखा था, आप अपना तरीका लिखने का सीख गए ना। पहले क्या लिखिएगा, भी, उसके बाद क्या लिखिएगा, डी एस एस डब्ल्यू यू एस, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटा। अब बताइए यहाँ पर हमेशा हम स्पीड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस का जितना खेल करना है ऊपर कर दीजिए, यहाँ स्पीड लिख दीजिए। 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहे हैं 2.5 घंटा, बताइए स्पीड क्या होगा, 12 × 30, 12 × 24 6 × 30, तो यहाँ पर कितना होगा 12, क्योंकि स्पीड लिख रहे हैं यहाँ पर 30 आप बटा 2.5 कर देते हैं, 12 × 30, ठीक है। और नहीं तो गुना भाग तो इतना आता होगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर 12 आ गया, कहीं से भी एको को पता चलेगा तो हम पूरा मैथ को पकड़ सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत इतना ही दूरी तय करना में 3 घंटा 45 मिनट लेता, कितना दूरी, यही 30 किलोमीटर, इतना ही दूरी मतलब जो पहले दिया वही दूरी, ठीक है। पहले लग रहा था 2.5 घंटा, अब लग रहा है कितना, पौने 4 घंटा, पौने 3 है, पौने 4, ठीक है।
आप देखिए पौने चार घंटा को इस तरह से लिख सकते हैं, कितना तीन घंटा पैंतालीस मिनट है, तीन घंटा पैंतालीस बटा साठ भी लिख सकते हैं क्या, इसको काट करके और क्या सकते हैं, पंद्रह तीया पैंतालीस, पंद्रह चौका साठ, यानी चार तीया बारह तीन पंद्रह बटा चार, यहां पर ये क्या आ गया समय पंद्रह बटा चार, अगर नहीं आ रहा है तो पंद्रह बटा चार, जब मेरे साथ रहिएगा तो पौने चार सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। हम मान रहे थे आप लोग नहीं आता तो हम इस तरह से बताए पंद्रह बटा चार, ये क्या निकला, समय निकला पौने चार घंटा का मतलब, ठीक है। बोल रहा है तीस किलोमीटर मतलब वही दूरी पौने चार घंटा लगता है, किस दिशा में, तो विपरीत दिशा ना, विपरीत दिशा जाने ना, तो तीस किलोमीटर जा रहा कितना के समय से, कितना समय ले रहा, तो पंद्रह बटा चार, तो पंद्रह अब ऊपर चल जाएगा चार, नीचे चार लिख देते हैं ऊपर लिख देते हैं, तो बताइए पंद्रह दूना चार दूनी, तो विपरीत में कितना आया, आठ ना आया, आठ आया, ऑटोमेटिक आप सोचिए ये आठ है बारह, आठ दस बारह होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं बना बताइए, ये पौने चार घंटा आप लोग को लटका दिया है ना, ठीक है। देखिए मिनट को घंटा कैसे तोड़ते हैं, यहाँ लिखा है तीन घंटा पैंतालीस मिनट, ठीक है, अब तीन घंटा को तीन लिख सकते हैं, अब देखिए पैंतालीस को लिख सकते हैं घंटे में बदल दिए, क्योंकि घंटा लिख रहे हैं तीन घंटा पैंतालीस मिनट को पैंतालीस बटा साठ लिख देते हैं, क्या ये भी घंटा में ना बदल गया, बदल गया, तो तीन पूर्णांक पैंतालीस बटा साठ लिख दिए, अब पैंतालीस साठ को काटिए, पंद्रह या पैंतालीस, पंद्रह चौका साठ, अब देखिए तीन पूर्णांक तीन बटा चार है, इसको कैसे लिखते हैं, चार या बारह तीन पंद्रह, पंद्रह बटा चार घंटा लिखिए, ठीक है, इस तरह से लिखे हैं। चलिए कोई दिक्कत है, आप लोग साथ साथ लिख लीजिए, अब कुछ पूछेगा तो बता दीजिए, देखिए इसीलिए तो बोलते बताए थे अभी रेशियो वाला आएगा, ठीक है। कल सिलेंडर का सफाया कर देंगे, ठीक है, आप लोग 100% एनर्जी के साथ आइएगा और 100% कोशिश करेंगे कि सिलेंडर से कभी क्वेश्चन ना छूटे, और ये भी बता रहे हैं स्पेशल सिलेंडर यानी स्पेशल बेलन का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि 3D में जाइएगा तो क्वेश्चन मिक्स आता, शंकु का तुलना बेलन से करेगा, बेलन का तुलना गोला से करेगा, गोला बेलन शंकु का भी मिक्स करेगा, तो हम बता रहे हैं केवल बेलन का होगा, ताकि बेलन अलग शंकु अलग गोला अलग पड़िएगा तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि आप तीनों को मिक्स करके आप नए तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं एक इजी तरीका से, क्योंकि हर चीज़ का एक मेथड होता है, लिखने का तरीका होता है, ठीक है। सबको मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है, पेट में जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा, खाली डालते जाना चिवाना स्वाद नहीं लेना, ठीक है, देते जाना खाली, तो वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है उस तरह के। अब खाना में खिचड़ी धोखा नहीं देता, ये चीज़ जरूर धोखा देगा, क्योंकि सब चीज़ समान ही ना होता। चलिए किसी को कोई दिक्कत है, हो सकता है फर्स्ट क्लास है डायरेक्ट क्वेश्चन पर गए, जब शुरुआत से चलेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि आपको रेशियो का दिक्कत है, टाइम एंड डिस्टेंस का दिक्कत है, तो दिक्कत हो सकती है। चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आप लोग देखिएगा पीछे वाला, ठीक है। एक नदी में धारा का वेग दिया हुआ तो हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं क्या बोल रहा है भी, ठीक है, उसके बाद डी एस एस डब्ल्यू और यूएस, कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक नदी धारा का वेग कितना दिया हुआ, दो दिया, आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे दिया रहे वैसे वैसे लिखने में आपको क्या जाता, बाकी सब कुछ आपको दिखेगा आंसर। दो दिया हुआ बोल रहा है, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता, तो धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जा रहा, ना कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा, यही सबको विशेष ध्यान देना, 6 किलोमीटर धारा का विपरीत जाकर वापस उसी बिंदु पर आता, तो बताइए 6 किलोमीटर गया भी वापस वही बिंदु आया, तो 6 किलोमीटर नहीं आया होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं, आप बताइए बोल रहा कि प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 33 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता, टोटल टाइम कितना लगा, 33 मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा,
कभी ऊपर दे रहा है निचले गायब है, कभी नीचे दे रहा है ऊपर गायब है, कभी ये दे रहा है वो गायब है, नहीं चार से अधिक जा रहा नहीं जा रहा। अब ध्यान से देखिएगा कि 6 किलोमीटर है, यहाँ दूध दिया तो कहीं ना कहीं ये दूध दिया, अगर इसको एक्स मानिएगा, देखिए अभी एक्स नहीं मानने देंगे ठीक है, हम चाहेंगे तो आपको बिना एक्स माने, अगर ऑप्शन रहता तो हम ऑप्शन से आपको डायरेक्ट ले चलते ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, लेकिन आप कोई भी एग्जाम दीजिए वहां पर ऑप्शन उपलब्ध रहेगा ठीक है, और आपको ऑप्शन बड़े से बड़े मैथ को ऑप्शन तोड़ने सिखाएंगे ठीक है। चलिए यहां दिया हुआ 2, अब मान लेते हैं यहां अगर एक्स मानेंगे तो इधर आएंगे तो जुटेगा ना एक्स प्लस 2, अगर यहां से इधर जाएंगे तो यहां क्या होगा, यहां दिया कुल समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो बताइए दूरी क्या है 6 और चाल क्या है, दूरी क्या है 6 और चाल क्या है, और टोटल समय दिया हुआ तो टोटल का मतलब होता है योग, दूरी क्या है 6 ना और चाल इसका क्या है, अब बराबर क्या होगा 33/60। अब इसको हल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, आप इससे बेटर है कि आप यहां पर कुछ मान रखिए, देखिए 33 के पास जा रहे हैं कि ना ठीक है, हमको लगता है कि अगर यहां 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो नहीं ना होगा, हमको लगता है यहां पर 12 रख के देखें या 15 रख के देखें ठीक है, अगर 12 रखेंगे तो मेरा 30 मिनट लगेगा, बताइए 6 किलोमीटर जाना 12 की स्पीड से जा रहा 30 मिनट लग रहा ठीक है, अगर यहां पर रखेंगे कितना, यहां कितना रखें 12 ना, 12 में से 2 गया 10 और 10 में से 2 गया तो 8, नहीं पहुंच पाएंगे 33 क्योंकि 3 मिनट और जाना ठीक है। अगर यहां रखते हैं कितना रखिएगा, अब कल्पना कीजिए, नहीं तो ये तो एक्स है ना अपना, लेकिन कल्पना कीजिए, यहीं से कल्पना स्टार्ट होता, ऑप्शन रहा तब तक बना देते ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर यहां पर 24 रख के देखें, 24 रख के देखते हैं, 24 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां 24 रखते हैं, नहीं यहां 22 रखते हैं ठीक है, तो यहां हो जाएगा 24 और यहां क्या होगा 20, क्योंकि 6 से कटता नहीं, कटना भी तो चाहिए ना, यानी ये भी नहीं होगा। और कुछ सोच के देखिए, सोचिए अपने आपको ठीक है, और कुछ सोचते हैं, 18 अगर यहां रखते हैं कितना 16, तो यह 18 होगा और यहां पर कितना होगा 14, नहीं होगा। चलिए इसको हल करते हैं, क्योंकि ऑप्शन रहता तो हम चल जाते हैं ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो कैसे सोच सकते हैं। चलिए हल करेंगे तो यहां पर क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के थोड़ा ऊपर चढ़े क्योंकि मिट जाएगा पूरा ठीक है। ऐसे करेंगे छोटा कैसे करता, इसको छोटा कैसे करता, जैसे ठीक है चलिए हल करते हैं ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखिए किताब में है क्या, देखिए ना ए नंबर, चलिए देखिए ए नंबर में, बी नंबर में 22, सी नंबर 24, कितना 30। चलिए यही चारों में से आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ऑप्शन रहेगा ठीक है। चलिए पहले ऑप्शन से बताता है फिर तो ये पर चलेगा ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां पर 20 रखेंगे तो 20 रखेंगे, यहां पूछा कौन चीज है वही ना आंसर रहेगा, आंसर यहां जो दिया रहेगा जो पूछा रहेगा वही, तो शांत जल में चाल पूछा तो जो ऑप्शन रहेगा शांत जल का रहेगा। अगर यहां रखते हैं 20 तो यहां कितना रखना होगा 22, जो 6 और 22 में कोई संबंध नहीं बनता हमको लग रहा, क्या बन रहा। चलिए अगर यहां रखते हैं 22, अगर यहां रखते हैं 22 तो यहां कितना रखना होगा 24, तो यहां कितना रखना होगा 20। अगर यहां पर देखते हैं तो 6 × 24 और 15 × 60, यानी 15 मिनट यहां से लग रहा। अगर यहां देखेंगे तो 20 दिया 60 और 6 दिया 18, यानी सोचे हम 24 जो है सही थे, लेकिन हम यहां पर जो है 24 सोच लिए थे ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए यहां 22 है क्योंकि ऑप्शन से बाहर नहीं जाएगा ठीक है। अब कोई भी एग्जाम ऐसा दिया जहां ऑप्शन नहीं है, आपको तरीका सारा बता दिया ना ठीक है, बस आपको अप्लाई करना। अगर मान लेते हैं शांत जल में यहां पर क्या दिया, ऑप्शन दिया शांत जल का, तो आंसर वो तो शांत जल कर लेंगे। यहां ऑप्शन मान लेते हैं 22 है तो 22 24 और 6 में संबंध बैठता है, देखिए 6 और 20 में संबंध बैठता है कैसे, देखिए अगर यहां इसको मिटा देते हैं ठीक है थोड़ा देर के लिए
ये दूरी है 6 किलोमीटर, स्पीड है 24, तो बताइए 6 किलोमीटर 24 के स्पीड से जाएगा तो बताइए कितना समय लगेगा। तो ये घंटा में है, किलोमीटर में, इसको मिनट में बदल देते हैं तो 60 से नहीं कर सकते हैं। देखिए 6 चौक 24, 15 चौका 60, यानी यहां पर लगा 15 मिनट, यहां पर क्या लगा 15 मिनट। उसके बाद यहां देखिए 6 किलोमीटर डिस्टेंस है और 20 के स्पीड से जा रहा था, ठीक है, 20 के स्पीड से जा रहा, तो मिनट में बदलिए कितना, 20 दिया 60, तो 20 दिया 60, 6 दिया 18, यहां लगा 18 मिनट। तो यहां देखिए यहां लगा कितना 15 मिनट, यहां 18 मिनट, कुल देखिए 33 मिनट है ना, LHS बराबर RHS। अब चलिए वहां पर भी बैठा के दिखा देते हैं, ठीक है, चलिए वही ना छूट गया था X वाला, चलिए X पर भी बैठाते हैं। हम क्या बोले थे, अगर शांत जल का पूछा, शांत जल को X माने तो X प्लस 2 ना हो जाएगा, ठीक है, हवा में नहीं बात करना है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां क्या हो जाएगा X माइनस 2। अब समय बराबर कितना आता, दूरी बटा चाल, टोटल समय दिया इसलिए योग कर देंगे, तो योग करेंगे तो यहाँ कितना दूरी है 6 ना, तो 6 बटा x प्लस 2, और कुल समय दूरी बटा चाल, और यहां भी हो जाएगा x माइनस 2, बराबर कितना 33 बटा 60। आप चाहे तो आप यहां पर कितना मान लेते हैं, यहां पर आप रख करके देख सकते हैं, यहां 22 रखेंगे तो 22 में से 2 24, जो कि 6 चौक 24 कितना लगेगा 15 मिनट, और यहां पर भी रखेंगे 22 तो 22 में से 2 गया तो 20, और जो कि 20 दिया 60, 6 दिया 18, तो 18 15 कितना होता 30 होता। क्या सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत है अगर, और सबसे बेहतर है कि इसको जो हल करने से बेहतर है ऑप्शन को हल कर दीजिए, कहानी खत्म। चलिए चलिए दिक्कत है तो बोल दीजिए, नेक्स्ट क्लास लेंगे, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा एक नाप धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा। चलिए आप ही लोग से पूछ करके बनाएंगे, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, स्टील वाटर, उसके बाद आप स्ट्रीम, आप चाहे तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आप बताइए जो जो बोल रहा है करते जाते हैं, जैसे जैसे बोल रहा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं 4 घंटा, स्पीड बताइए 6, स्पीड क्या होगा 6, एक को पता चल जाएगा तो पूरा क्वेश्चन को रोन देंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा, धारा के विपरीत इतना ही दूरी तय करने में 6 घंटा, मतलब इतना ही दूरी मतलब कितना, जो पहले दूरी 24 दिया था वही दूरी, यानी वही 24 दूरी करने में 6 घंटा लगता, तो 6 चौक 24। आप बताइए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ कौन सी होगा 5, यहाँ कौन सी होगा, अब आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर क्या पूछ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए इसके बाद अगर सिलेंडर पढ़ा देंगे, उसके बाद ट्रेन पढ़ाएंगे, ट्रेन में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ है कि आप पूछेगा 1 रुपया में 4 चॉकलेट तो 10 रुपया में कई चॉकलेट, इतना ना बता सकते हैं, तो पूरा ट्रेन कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। एज में भी एक मेथड है, पूरा एज कंप्लीट है, उसी तरह एवरेज का भी एक मेथड है, पूरा एवरेज कंप्लीट है, ठीक है, अब उसको अप्लाई करना है कैसे कैसे करना है, ठीक है, रहने दे। चलिए अच्छा एक और देख लीजिए ना, सब क्वेश्चन देख रहे हैं वही है, बस आपको आगे पीछे करना है, एक क्वेश्चन देखें अब पूरा जो है छाटा हुआ क्वेश्चन, ऐसा ना कहीं सुना, सब एक से क्वेश्चन छाटा हुआ है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन जैसा आप लोग लाइएगा डाउट, हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए धारा उरा दिखा था, अब क्या लिखेगा बोलिए साथ साथ, वी उसके बाद डाउन स्ट्रीम, उसके बाद स्टील वाटर, उसके बाद यही उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा ना, तो मैथ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलिए यहां लिखेंगे स्पीड, अब बोल रहा है धारा की दिशा में 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो बताइए धारा का स्पीड क्या होगा 8, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर क्या बोल रहा है धारा का विपरीत 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो बताइए धारा के विपरीत क्या होगा, कोई दिक्कत है, धारा का विपरीत यहाँ एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ दिखता, ठीक है, अब बताइए ये 2 है, ये 8 है, ये क्या होगा, चलिए बताइए 2 3 5 5 3 8 सीरीज में चलता है, 2 3 5 5 3 8, किसी भी 2 का अंतर उठा करके, ठीक है,
अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसमें और कुछ नया जोड़ देता, बताइए कि हमको 64 किलोमीटर गए और यहां से 64 किलोमीटर आए, कुल कितना समय लगेगा? तो वही तो आपको सोचने के लिए बोल रहे थे ना, वही चीज सोचने के लिए बोल रहे थे उस समय। कभी ये गायब कर दिया, कभी ऊपर गायब कर दिया। हम बोलेंगे 64 किलोमीटर गए, 64 किलोमीटर आए, कुल कितना समय लगेगा? क्या बोलिएगा कि 64 किलोमीटर 8 के स्पीड से जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा? 8। 64 किलोमीटर 2 के स्पीड से जाएंगे तो 32 घंटा लगेगा, 32 घंटा। तो बताइए कितना घंटा कुल लगेगा? 32 8 40। अब सोचिए हम एक चीज को हटा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर वाले को हटा देते हैं, ऊपर वाले को हटा देते हैं, अब क्वेश्चन को नया क्वेश्चन बनाते हैं, जो आपको हो सकता है यहीं तक क्लास रहेगा आपको, इसी में देखिए अगला क्वेश्चन यही आएगा। ये कितना था? 3 था, हाँ 5-3, ठीक है। अब बोलेगा कि कुछ दूरी गया और उतना ही दूरी वापस आया, कुल स्पीड लगा 40 घंटा, ठीक है। अब बताइए यहां पर क्या रखिएगा, क्या रखिएगा? ऑप्शन से ऑप्शन आपको देंगे, ठीक है। अगर मान लेते ऑप्शन ए में दिया 80, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 64, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कितना, 8 के मल्टीपल में 32, चलिए तो इस तरह से ऑप्शन रखिएगा, तो आप क्या x बटा 8 x बटा 2 प्लस करके 40 लिखिएगा? नहीं, आप दिमाग लगाइएगा यहीं से यहीं पर, क्या कितना रखें, 80 रखेंगे तो 10 और यहां रखेंगे तो 40 10 50 हो जाता, लेकिन 64 रखेंगे 64 8 घंटा और 32 8 40 घंटा हो गया। पिछला क्वेश्चन में क्या था? ई वाला गायब था, उसके एक और क्वेश्चन बनाए तो यही वाला गायब था, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए फिर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए ई क्वेश्चन बनाइए, चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। बोल रहा है एक नाभिक धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब समझे, धारा की दिशा में अनुकूल, ठीक है। चलिए आपको जैसा ही दिखा आप क्या लिखिएगा, धारा का वेग, फिर क्या लिखिएगा, धारा की दिशा में, धारा शांत जल में, उसके बाद विपरीत दिशा में आप स्ट्रीम, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है वो लिख सकते हैं ना, लिखने का तरीका देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक नाभिक धारा के धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर स्पीड बताइए। हम बोलेंगे 5 मिनट में 1 किलोमीटर तो 10 मिनट में 2 किलोमीटर, 15 मिनट में 3 किलोमीटर, तो आप यहां पर देख रहे हैं बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट में 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब होता है 60 मिनट में आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं, ट्रेन का स्पीड अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब 60 मिनट में 100 किलोमीटर चल रहा, तो वही बोल रहा है 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा ना चाहिए, तो 1 घंटा में 60 मिनट ना, तो बताइए 5 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 12×5=60 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि ना, यानी कितना जाएगा, यानी कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 60 मिनट में 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड इसका पता चला कितना है। एक चीज और पता चल गया था, पूरा रोन देंगे, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, गति तथा धारा का विपरीत 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलता, धारा का विपरीत 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलता, उसमें खड़े लिखा हुआ था, हम भी खड़े लिख दी, ठीक है। अभी 6 है 12 तो नहीं लग रहा, 6 3 9 3 12 और नहीं आता है ना, तो उतना बोल देते हैं दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, 12×6=18 लेकिन आपको बता दिए कि नहीं वो सब करना है, उतना तो दिमाग लगा देंगे, और कोई यहाँ 20-40 पॉइंट में इस समय नहीं आता, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 9, तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा, कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास देखिए पूरा बोर्ड ट्रस्ट टीम यही है, आप लोग बनाइए, जो डाउट रहेगा हम क्लियर करने के लिए रेडी है, जो क्वेश्चन छूट गया इससे भी हार्ड कुछ नहीं होता। देखिए मेरे साथ अगर पढ़ते हैं हम आपको एक चीज का विश्वास दिलाते हैं, सभी लोग बोलता है ना कि टाइप वाइज टाइप पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक दिल और दिमाग में बैठा होगा कि जैसे जैसे हम टाइप वाइज टाइप आगे बढ़ेंगे, टाइप 1 हल्का क्वेश्चन होगा, टाइप 2 थोड़ा भारी होगा, टाइप 10 तक 14 तक जाते जाते एकदम मन को एकदम रोंद देगा, लगेगा उस दिन क्लास छुट्टी होना चाहिए, लगता है कि ना, हकीकत बताते हैं। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको टाइप बाय टाइप जैसे बढ़िएगा वैसे आपको इजी होते जाएगा, आपको टाइप का पता ही नहीं चलेगा, वो तो एक क्वेश्चन का तरीका अलग होता है तो बोल देते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, ठीक है। लेकिन आपको टाइप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा क्वेश्चन आपको इजी होते जाएगा और आपको एक मजा आएगा कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ,
कि आप इसमें कम से कम 10 टाइप है, आप किसी भी बुक में पढ़िएगा, ठीक है। आप बुक उठा के देखिएगा, एक बार अनुकूल वाला देगा, एक बार प्रतिकूल, एक बार टाइम देगा, एक बार दूरी देगा, एक बार डिस्टेंस देगा, ठीक है। दूरी डिस्टेंस से की है, ठीक है। आपको बहुत तरीका पूछेगा, यानी 10 टाइप है, ठीक है। क्या हम आपको टाइप दिए हैं? सब क्वेश्चन एक ही है तो टाइप की क्या जरूरत है। चलिए जयदेव जी, तो इसी के साथ जय हिंद, आज का क्लास यहीं तक रहता है। आप लोग जितना भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम अपने मन से जितना भी क्वेश्चन होगा, जो हार्ड हार्ड रहेगा या जो हार्ड वगैरह कुछ नहीं है, जो भी रहेगा हम करवा देंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद। ड्यूटी